हेलो एवरी वन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ऑडियोबर्स री इनकारनेशन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट वोर्ड गॉड चैप्टर दो हजार तीन सौ ग्यारह टू दो हजार तीन किंगडम व्हाइट रिवर्स सिटी एक बार जब अथर्व और अन्ना वाइल्ड लैंड के सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गए तो उन्होंने रिटर्न स्क्रॉल का उपयोग किया और वापस व्हाइट सिटी में टेलीपोर्ट कर दिया हालांकि जब वह टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर आया तो उसने लगभग यही सोचा कि वह गलत जगह पर आ गया है टेलीपोर्टेशन हॉल में कई खिलाड़ी पहले ही लेवल नब्बे तक पहुंच चुके थे और भीड़ के बीच लेवल इक्यानवे के भी काफी खिलाड़ी थे ड्रैगन हार्ट द्वीप के विशेषज्ञों को भी अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए था वह कुछ दिनों से अपने टीयर तीन प्रमोशन क्वेस्ट में व्यस्त थे लेनर पैसेज के जल्दी खुलने के प्रभाव इतने कठोर हैं खुले समतल मार्ग ही एकमात्र स्पष्टीकरण था जिसके बारे में अथर्व सोच सकता था लेनर पैसेज के सक्रिय होने से न केवल मुख्य महाद्वीप पर नए खिलाड़ी पैदा होंगे यह संसाधनों को संकल्प करने सहित प्रचुर मात्रा में संसाधन भी लाएगा अथर्व के पिछले जीवन के दौरान लेनर पैसेज की सक्रियता ने मुख्य महाद्वीप के खिलाड़ियों के बीच एक समान उन्माद पैदा कर दिया था लेकिन इसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं था हालांकि मामले पर कुछ और विचार करने के बाद अथर्व को पता चला कि ऐसी स्थिति असंभव नहीं थी गॉड्स डोमेन में उनकी उपस्थिति ने पहले से ही एक महत्वपूर्ण तितली प्रभाव पैदा कर दिया था और इस जीवन में खिलाड़ी अतीत की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़े मुख्यधारा के खिलाड़ियों के एक सौ के स्तर तक पहुंचने से पहले ही प्लानर पैसेज सक्रिय हो जाने से बढ़े हुए संसाधनों का खिलाड़ियों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा इतने सारे उत्कृष्ट ग्राइंडिंग स्पॉट उपलब्ध होने से यह स्वाभाविक था कि खिलाड़ी पहले की तुलना में तेजी से आगे बढ़ेंगे जैसे ही अथर्व टेलीपोर्टेशन हॉल छोड़ने वाला था स्वतंत्र खिलाड़ियों की एक सौ सदस्यीय टीम इमारत में आई टीम के आगमन को देखते हुए हॉल में कई खिलाड़ियों ने अपना ध्यान नवागंतुकों की ओर लगाया और चुपचाप आपस में बातें कर रहे थे त्वरित देखो यह चांदी का तीर है वे एक और लेवल पचानवे टीम दंग पर छापा मारने के लिए निकल रहे होंगे मुझे आश्चर्य है कि हमारी साहसी टीम भी ऐसा करने के लिए कब तैयार होगी आपकी साहसी टीम सपने देखते रहो यहां तक कि ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के खिलाड़ी भी लेवल पचानवे टीम दंग पर छापा मारना शुरू ही कर रहे हैं स्टारमून किंगडम के खिलाड़ियों का तो जिक्र ही नहीं इसके अलावा सिल्वर एरो शेडोलिस एडवेंचरर एलायंस में शामिल होने वाली पहली एडवेंचरर टीमों में से एक थी और इसे शेडो एम्पायर एडवेंचरर टीम एल से बहुत मदद मिली है मुझे लगता है आप सही हैं लेकिन शेडोलिस एडवेंचरर अलायंस में शामिल होना बहुत कठिन है मैंने सुना है कि पड़ोसी राज्यों की कई प्रसिद्ध साहसी टीमों को अस्वीकार कर दिया गया है यह सही है उत्तीर्ण होने की दर अविश्वसनीय रूप से कम है लेकिन जब तक एक साहसी टीम सदस्य बनती है तब तक वह कायापलट से गुजरेगी न केवल इसकी समग्र ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी बल्कि प्रथम श्रेणी के गिल्ड और महाशक्तियों के विशेषज्ञ भी इसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेंगे सिल्वर एरो एडवेंचरर टीम पर चर्चा कर रहे विभिन्न खिलाड़ियों ने ईर्ष्या में ऐसा किया सिल्वर एरो के अधिकांश सदस्य पहले ही लेवल बानवे तक पहुंच चुके थे जहां तक महाशक्तियों के मुख्य बल के सदस्य भी नहीं पहुंच पाए थे जब आसपास के खिलाड़ियों ने सिल्वर एरो के सदस्यों द्वारा पहने गए उपकरणों को देखा तो उन्हें और भी अधिक ईर्षा हुई साहसी टीम के प्रत्येक सदस्य के पास लेवल नब्बे गोल्ड उपकरण का पूरा सेट था हालांकि कई विशेषज्ञ खिलाड़ी प्लेनर पैसेज के कारण लेवल नब्बे या उससे ऊपर तक चढ़ गए थे लेकिन बहुत कम लोगों ने लेवल नब्बे के हथियार और उपकरण हासिल किए थे शीर्ष स्तरीय वस्तुओं की तो बात ही छोड़िए लेवल नब्बे गोल्ड उपकरण के पूरे सेट के साथ खिलाड़ी लेवल पचानवे टीम दंग पर छापा मारने के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे अन्य दुनिया के साहसी गठबंधन पहले ही यहां तक विकसित हो चुके हैं अथर्व को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह सिल्वर एरो के सदस्यों को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित था मुख्य महाद्वीप की विभिन्न शक्तियों द्वारा अतीत में कई बार इन अन्य दुनियाओं पर आक्रमण करने की कोशिश के बाद ही अन्य दुनिया की साहसी टीमों ने साहसी गठबंधन बनाना शुरू कर दिया था साहसी गठबंधनों ने तब मुख्य महाद्वीप पर स्तर एक से अधिक तटस्थ मानचित्रों के लिए लड़ने के लिए स्वतंत्र खिलाड़ियों पर भरोसा किया था जिस बिंदु पर मुख्य महाद्वीप की कई शक्तियां नष्ट होने लगी थीं अथर्व ने कभी नहीं सोचा था कि तितली का प्रभाव इतना व्यापक होगा कि खेल के इस चरण तक अन्य दुनिया की शक्तियां साहसी गठबंधन बना लेंगी इसके साथ ये अन्य विश्व शक्तियां मुख्य महाद्वीप की शक्तियों के लिए उसके पिछले जीवन की तुलना में कहीं अधिक बड़ा खतरा पैदा करेंगी सिल्वर एरो की टीम द्वारा किए गए हंगामे के बाद अथर्व टेलीपोर्टेशन हॉल से बाहर निकला और लाइब्रेरी की ओर चला गया उसने सोचा था कि वह अधिकांश खिलाड़ियों से बहुत आगे है क्योंकि वह एक के स्तर तक पहुंच गया था और उसने अपनी टीयर तीन प्रमोशन क्वेस्ट पूरी कर ली थी उसके पास कोला और अन्य भी थे जो पहले ही पचानवे और उससे आगे के स्तर तक पहुंच चुके थे उन्हें जल्द ही एक सौ के स्तर तक पहुंचना चाहिए हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने जो तितली प्रभाव पैदा किया था वह उसके लिए विनाशकारी होगा यदि वह शीघ्र ही एक तटस्थ मानचित्र का स्वामी नहीं बन सका जैसा कि अतीत में विभिन्न महाशक्तियां थीं तो वह और जीरो विन दोनों इतिहास में गायब हो जाते आधे घंटे बाद अथर व्हाइट रिवर्सिटी की लाइब्रेरी की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा उन्होंने शर्लिन को स्टारमून हॉल के दूर के छोर पर अपने सिंहासन से चुपचाप एक प्राचीन पुस्तक पढ़ते हुए पाया आप वास्तव में लोगों को आश्चर्यचित करना जानते हैं मुझे लगा कि आप कई महीनों तक वहां फंसे रहेंगे शर्लिन ने मुस्कुराते हुए कहा और किताब से अपनी नजरें हटाकर अथर्व की ओर देखा क्या आप सचमुच अपनी विरासत पाने के लिए तैयार हैं आपके पास केवल एक अवसर है आपका प्रदर्शन आपके भविष्य को बहुत प्रभावित करेगा हां मैं तैयार हूं अथर्व ने सिर हिलाया टीयर तीन प्रमोशन क्वेस्ट में दो भाग शामिल थे खोई हुई विरासत का पता लगाना पहला भाग था और उसे विरासत में प्राप्त करना दूसरा भाग था प्रमोशन क्वेस्ट का दूसरा भाग भी सबसे महत्वपूर्ण था जिसमें व्यक्ति अपने शरीर के मन ढांचे को बदल देगा गॉड्स डोमेन में एक प्रमुख मोड़ के रूप में खिलाड़ियों की काया और उनके शरीर का मन ढांचा तब बदल जाएगा जब वे टियर तीन पर पहुंचेंगे निःसंदेह सभी मन रूपरेखाएं समान नहीं थीं उनकी ताकत में अंतर सामान्य टीयर तीन वर्ग वाले खिलाड़ियों के बीच भी मौजूद होगा खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार की विरासतें विरासत में मिली और अलग अलग मन ढांचे वाले खिलाड़ी अलग अलग स्तर की ताकत प्रदर्शित करेंगे हालांकि ये अंतर किसी खिलाड़ी की काया में प्रदर्शित नहीं होंगे लेकिन दुनिया के नियमों को प्रभावित करेंगे उदाहरण के लिए क्षेत्र के वातावरण के कारण स्तर 100 से अधिक तटस्थ मानचित्रों में टीयर दो खिलाड़ी केवल थोड़े समय के लिए ही जीवित रह सके भले ही वे बस वहां खड़े रहे और कुछ भी नहीं किया इसकी तुलना में टीयर तीन खिलाड़ी अपने शरीर के मन ढांचे के कारण लेवल एक से अधिक तटस्थ मानचित्र में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं किसी खिलाड़ी का मन ढांचा जितना मजबूत होगा खराब वातावरण में उसकी जीवित रहने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी उनका मैना ढांचा उनकी सहनशक्ति और एकाग्रता पुनर्प्राप्ति दर को भी काफी हद तक प्रभावित करेगा यही कारण है कि टियर तीन कक्षाओं का गॉड्स डोमेन में इतना बड़ा प्रभाव पड़ा हालांकि अथर्व ने पहले ही अपनी विरासत प्राप्त कर ली थी फिर भी वह जंगल से बाहर नहीं आया था विरासत को प्राप्त करने की उनकी क्षमता कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी अथर्व ने अतीत में केवल टीयर तीन कांस्य लिगेसी पूरी की थी और यद्यपि कांस्य लिगेसी अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ थी और उसने लगभग पूर्ण मैना बॉडी बनाई थी लेकिन यह उसे टीयर चार में लाने के लिए पर्याप्त नहीं थी प्रमोशन क्वेस्ट आमतौर पर केवल सिल्वर रैंक वाले मैना बॉडी वाले खिलाड़ी ही कठोर वातावरण में जीवित रह सकते हैं जो टीयर चार प्रमोशन क्वेस्ट के लिए स्थल के रूप में कार्य करता है परिणामस्वरूप वह अपने पिछले जीवन में खोज को पूरा करने से हमेशा एक कदम दूर रहा था बेशक अगर उस समय उसके पास लेजेंडरी उपकरण का एक टुकड़ा होता तो परिणाम अलग होते यहां तक कि खंडित पौराणिक उपकरण का एक टुकड़ा भी परिणाम को महत्वपूर्ण रूप से बदल देता दुर्भाग्य से वह कभी भी किसी को ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ इसलिए वह उस सीमा को पार नहीं कर पाया ठीक है यह आपका निर्णय है लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपका समय सीमित है जितना आप चबा सकते हैं उससे अधिक न काटें शर्लिन ने चेतावनी दी यह देखकर कि अथर्व अपनी बाकी प्रमोशन खोज को पूरा करने के लिए कितना दृढ़ था उसने मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया अथर्व के दाहिने हाथ की पीठ पर तलवार का निशान जलने लगा और उसी समय उसके शरीर पर अनगिनत दिव्य रूम प्रकट हुए जो धीरे धीरे एक विशाल चतुर्गुना जादुई सरणी का निर्माण कर रहे थे उसके बाद मैना बॉडी के नमूने प्रदर्शित करने वाली तीन खिड़कियां उसके सामने आईं, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक जटिल थी अथर्व उस पल बहुत खुश हुआ जब उसने जादुई व्यू और मन पिंडों का नमूना देखा जादुई सरणी में परतों की संख्या जो मन शरीर का निर्माण करेगी मन शरीर की रैंक का प्रतिनिधित्व करती है जिसे बनाया जा सकता है एक एकल स्तरित जादू सरणी कांस्य रैंक का प्रतिनिधित्व करती है एक दोस्तरित जादू सरणी सिल्वर रैंक का प्रतिनिधित्व करती है और इसी तरह मन बॉडी के नमूने संपूर्ण मन बॉडी के मानक का प्रतिनिधित्व करते हैं पहला नमूना बुनियादी मानक का प्रतिनिधित्व करता है दूसरा मध्यवर्ती मानक का प्रतिनिधित्व करता है और तीसरा उन्नत मानक का प्रतिनिधित्व करता है अथर्व को घेरने वाली जादुई सरणी में अब चार परतें थीं उन्होंने पहले कभी मन शरीर बनाने वाली चार गुना जादुई सरणी के बारे में नहीं सुना था एक बार जब शर्लिन ने जादुई सरणी बना ली तो अथर्व के कानों में सिस्टम अधिसूचना की एक श्रृंखला बजी सिस्टम आपके टियर तीन प्रमोशन क्वेस्ट को पूरा करने और ब्लेड सेंट लिगेसी प्राप्त करने पर बधाई विरासत पूर्णता दर पचासी परसेंट उन्नत महाकाव्य विरासत प्राप्त हुई आपके पास अपनी मैना बॉडी बनाने के लिए चार घंटे हैं सिस्टम टियर तीन प्रोमोशन क्वेस्ट को पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी होने पर बधाई आपके पास अपनी मैना बॉडी बनाने के लिए एक अतिरिक्त घंटा होगा महाकाव्य रैंक जब अथर्व ने सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़ा तो वह दंग रह गया अपने पिछले जीवन के दौरान उन्होंने जिस उच्चतम रैंक वाली मैना बॉडी के बारे में सुना था वह केवल गोल्ड रैंक थी और प्रत्येक दस हजार विशेषज्ञों में से केवल एक ने अपने टेयर तीन प्रमोशन क्वेस्ट के दौरान गोल्ड रैंक वाली मैना बॉडी अर्जित की थी ये विशेषज्ञ एक सौ से अधिक स्तर के तटस्थ मानचित्रों में ताकतवर थे जो विभिन्न महाशक्तियों को बड़े पैमाने पर सिरदर्द देने के लिए काफी मजबूत थे एक गोल्ड मैना बॉडी ने कठोर वातावरण में उच्च अनुकूलन क्षमता प्रदान की इसने खिलाड़ियों की सहनशक्ति और एकाग्रता की पुनर्प्राप्ति दर को भी असाधारण ऊंचाई पर पहुंचा दिया खिलाड़ियों की सहनशक्ति और एकाग्रता उनके आसपास के मन को अवशोषित करने से ठीक हो जाएगी क्षेत्र में मैना के घनत्व के आधार पर उनकी पुनर्प्राप्ति दर तीस परसेंट से साठ परसेंट तक बढ़ जाएगी उनकी सहनशक्ति और एकाग्रता पुनर्प्राप्ति दरों में इतने महत्वपूर्ण सुधार के साथ खिलाड़ियों को अब सहनशक्ति उपकरणों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा ऐसी वस्तुओं को ऐसे उपकरणों से बदल दिया जाएगा जो अधिक कच्ची शक्ति प्रदान करते हैं यही कारण है कि गोल्ड मैना बॉडी वाले खिलाड़ी सामान्य विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक मज़बूत थे और लेवल 100 सौ से अधिक तटस्थ मानचित्रों में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे यहां तक कि महाशक्तियों के लिए भी इन खिलाड़ियों का शिकार करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा यही कारण है कि टेयर तीन पर पहुंचने पर स्वतंत्र खिलाड़ियों पर विभिन्न महाशक्तियों का प्रभाव काफी कम हो जाएगा यहां तक कि शीर्ष सांसी टीमें महाशक्तियों के साथ संघर्ष करना शुरू कर सकती हैं मिडनाइट की पार्टी इसका एक प्रमुख उदाहरण थी अथर्व के पिछले जीवन के दौरान मिडनाइट टी पार्टी में शामिल होने का प्रयास करने में खिलाड़ियों को बेहद कठिन समय का सामना करना पड़ा था एक बार जब एडवेंचरर टीम के सदस्य टीयर तीन पर पहुंच गए तो टीम में शामिल होने के लिए गोल्ड रैंक वाली मैना बॉडी एक आवश्यकता बन गई यहां तक कि महाशक्तियां भी स्तर एक सौ से अधिक तटस्थ मानचित्रों में स्वर्ण मन निकायों वाले विशेषज्ञों के एक पूरे समूह के सामने असहाय थीं और अथर्व ने महाकाव्य मन बॉडी के बारे में भी नहीं सुना था इसके अलावा अब उसके पास अपनी मैना बॉडी बनाने के लिए कुल पांच घंटे थे अतीत में उनके पास कांस्य मैना बॉडी बनाने के लिए केवल एक घंटा था और गोल्ड मैना बॉडी वाले खिलाड़ियों को केवल दो घंटे दिए गए थे मन बॉडी के निर्माण की प्रक्रिया पूरे बोर्ड में लगभग एक जैसी थी परिणाम इस बात पर निर्भर करता था कि कोई आवंटित समय में कितना पूरा कर सकता है और किसी की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उसने परीक्षणों में कितना समय लगाया आप अब अपने मैना बॉडी का निर्माण शुरू कर सकते हैं याद रखें आपके पास केवल पांच घंटे हैं यदि आप समय समाप्त होने से पहले मन बॉडी को पूरा करने में विफल रहते हैं तो जादुई सरणी आपको उपलब्ध सबसे बुनियादी मन बॉडी प्रदान करेगी और आपके प्रयास बर्बाद हो जाएंगे शर्लिन ने अथर्व को गंभीरता से याद दिलाया समझा उसने सिर हिलाया यह समझते हुए कि यह मामला कितना महत्वपूर्ण था तुरंत अथर्व ने अपने सामने मंडरा रहे तीन मैना बॉडी नमूनों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया प्रदर्शित प्रत्येक मन निकाय पिछले से भिन्न और अधिक जटिल था तीनों में से सबसे सरल पीक ब्रॉन्ज लिगेसी के मैना बॉडी से कई गुना अधिक जटिल था जो उसने अतीत में प्राप्त किया था इन नमूनों में न केवल जादुई सरणियां शामिल थीं बल्कि उन्हें दिव्य रून और परिष्कृत मैना हेरफेर की भी आवश्यकता थी कोई भी सामान्य खिलाड़ी मन बॉडी के नमूनों को आंख बंद करके कॉपी करने में सक्षम हो सकता है लेकिन उनकी पूर्णता दर अधिक नहीं होगी स्वाभाविक रूप से कम समापन दर किसी की युद्ध शक्ति को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी एक खिलाड़ी का मन शरीर भविष्य में उनके कौशल और मंत्रों के साथ उनके नियंत्रण को प्रभावित करेगा खराब ढंग से निर्मित मैना बॉडी के परिणामस्वरूप कम मैना चालकता होगी इससे खिलाड़ियों की 90 परसेंट या उससे अधिक की पूर्णता दर के साथ टियर तीन कौशल और मंत्रों का उपयोग करने की क्षमता सीमित हो जाएगी क्योंकि खिलाड़ियों को अपने कौशल या मंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया के दौरान अपने मन को सक्रिय रूप से मार्गदर्शन और नियंत्रित करना होगा यही कारण है कि अथर्व के पिछले जीवन के विशेषज्ञों ने कम पूर्णता दर के साथ अधिक जटिल मन निकाय के लक्ष्य के बजाय उच्च पूर्णता दर सुनिश्चित करने के लिए कम जटिल मन निकायों को लक्ष्य बनाना पसंद किया था यदि खिलाड़ियों ने एक आदर्श मैना बॉडी का निर्माण किया है तो यह उनकी युद्ध शक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा जो भविष्य में उनके टियर चार प्रमोशन क्वेस्ट को चुनौती देते समय एक महत्वपूर्ण मदद होगी अथर्व ने उसे दिए गए तीन मैना बॉडी नमूनों का निरीक्षण करने में लगभग दस मिनट बिताएं हालांकि उन्नत मन बॉडी बेहद जटिल है और इसमें मल्टीलाइन मन हेरफेर भी शामिल है मेरे पास खेलने के लिए पांच घंटे हैं मुझे इसे आजमाना चाहिए अपना निर्णय लेने के बाद अथर्व ने उन्नत मन बॉडी नमूने पर ध्यान केंद्रित किया और अपने भीतर मन में हेरफेर करना शुरू कर दिया इंटरमीडिएट मन बॉडी की पर्यावरणीय अनुकूलनशीलता और उन्नत मन बॉडी के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं हो सकता है लेकिन दो विकल्पों की पुनर्प्राप्ति दर और रक्षा के बीच अंतर बहुत बड़ा था स्वाभाविक रूप से जब खिलाड़ी टीयर तीन पर पहुंचेंगे और अपना मैना बॉडी प्राप्त करेंगे तो उनकी रक्षा में काफी बदलाव आएगा टेयर दो खिलाड़ी के रूप में उनकी कठोरता की तुलना भी नहीं की जा सकती मैना बॉडी के साथ सुरक्षात्मक मैना की एक परत उनके फ्रेम को ढक देगी जिससे उन्हें शारीरिक चोट लगने का खतरा कम हो जाएगा जिससे सामान्य हमलों से उनकी युद्ध शक्ति कम हो जाएगी स्वाभाविक रूप से मैना बॉडी की रैंक जितनी ऊंची होगी यह सुरक्षात्मक परत उतनी ही मजबूत होगी इससे खिलाड़ियों को शारीरिक चोटों से तेजी से उबरने में भी मदद मिलेगी समय उड़ गया लगभग 20 मिनट के बाद अथर्व ने अंतः अपनी पहली मैना बॉडी का निर्माण पूरा कर लिया जैसे ही अथर्व ने अपना मन बॉडी पूरा किया उसे महसूस हुआ कि वह बहुत अधिक मजबूत हो गया है अब आसपास का मन सक्रिय रूप से उसमें प्रवाहित हो रहा था जिससे उसे मानसिक रूप से तरोताजा महसूस हो रहा था प्रणाली मन शरीर निर्मित पूर्णता दर चौंसठ क्या आप इस मन शरीर को रखना चाहते हैं मैं मुश्किल से पास हुआ निश्चित रूप से उन्नत मन बॉडी का निर्माण करना आसान नहीं है अथर्व ने कंप्लीशन रेट पर एक कड़वी मुस्कान दी लेकिन यह सोचना कि चौंसठ परसेंट पूर्णता दर के बावजूद यह मन बॉडी इतनी शक्तिशाली है एक महाकाव्य मन बॉडी वास्तव में आश्चर्यजनक है आमतौर पर साठ परसेंट पूर्णता दर वाले मन निकाय को केवल निष्क्रिय माना जाता था यदि कोई निर्दिष्ट समय में उत्तीर्ण समापन दर प्राप्त करने में विफल रहता है तो वे डिफॉल्ट मन बॉडी में फंस जाएंगे डिफॉल्ट विकल्प के साथ टीयर तीन कौशल और मंत्रों के साथ 90 परसेंट पूर्णता दर प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा खिलाड़ियों को आमतौर पर 75 परसेंट पूर्णता दर मन बॉडी की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके कौशल और मंत्र अप्रभावित रहेंगे अतीत में अथर्व ने पंचानवे पूर्णता दर के साथ अपनी कांस्य मन बॉडी का निर्माण किया था उस मानक पर एक रहस्यमय लोहे के हथियार से सीधा प्रहार अधिक से अधिक एक छोटी सी खरोंच छोड़ गया था जिससे शायद ही उसकी युद्ध शक्ति पर कोई प्रभाव पड़ा हो हालांकि उन्हें इस जीवन में अपने मैना बॉडी के साथ पंचानवे परसेंट पूर्णता दर प्राप्त करने की अधिक आशा नहीं थी एक महाकाव्य मन शरीर बहुत जटिल था उनका एकमात्र लक्ष्य अपनी लड़ाकू शक्ति पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए अस्सी परसेंट पूर्णता दर प्राप्त करना था एपिक मैना बॉडी के साथ अस्सी परसेंट पूर्णता दर के साथ भी केवल सीक्रेट सिल्वर वेपन्स और इससे बेहतर उसे शारीरिक रूप से घायल करने में सक्षम होंगे अथर्व ने अपना दूसरा प्रयास शुरू किया पहले प्रयास के बाद उन्होंने गति पर ध्यान केंद्रित न करने का निर्णय लिया बल्कि उन्होंने बहुत सावधानी बरती और धीरे धीरे मन बॉडी का निर्माण किया आधे घंटे से अधिक समय के बाद अथर्व बहत्तर परसेंट पूर्णता दर पर पहुंच गया जो कि पचहत्तर परसेंट सीमा से कुछ ही कम था अथर्व ने अपने तीसरे प्रयास के लिए पूरा एक घंटा लगाया लेकिन उसने केवल चौहत्तर परसेंट पूर्णता दर अर्जित की मुझे किसकी याद आ रही है जैसे ही उसने उन्नत मन बॉडी नमूने की दोबारा जांच की तो वह निराश होने लगा वह पहले ही अपने आवंटित समय का लगभग आधा समय व्यतीत कर चुका था फिर भी उसने पर्याप्त उन्नत मन बॉडी का निर्माण नहीं किया था यदि वह समय बर्बाद करना जारी रखता तो उसके पास इंटरमीडिएट मैना बॉडी के निर्माण का प्रयास करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं होता उन्होंने प्रत्येक चरण को बड़ी सटीकता से पूरा किया था फिर भी उन्होंने केवल चौहत्तर परसेंट पूर्णता दर ही हासिल की अपने पिछले जीवन के दौरान वह शोधन क्षेत्र मानक के आसपास भी नहीं था फिर भी उसने अपने मन शरीर के साथ पंचानवे परसेंट पूर्णता दर हासिल कर ली थी हालांकि एक डोमेन क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में भी वह केवल चौहत्तर परसेंट पूर्णता दर तक ही पहुंच पाए थे यह अविश्वसनीय था नहीं यह सही नहीं है अथर्व अचानक स्तब्ध हो गया मेरा मन हेरफेर उतना परिष्कृत नहीं था जितना अब है मैंने तब कुछ निर्माण प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला था फिर भी मैंने पंचानवे परसेंट पूर्णता दर अर्जित की यह मैना बॉडी नमूना कहीं अधिक जटिल है लेकिन मेरे वर्तमान मानकों के साथ समान परिणाम प्राप्त करना इतना कठिन नहीं होना चाहिए क्या पूर्णता के लिए मेरी प्यास का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है यहीं तक सोचते सोचते अथर्व ने एक और प्रयास शुरू किया इस बार निर्माण प्रक्रिया के सभी पहलुओं को सही करने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने कुछ हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया जबकि बाकी हिस्सों पर प्रकाश डाला इस बार उन्होंने मन बॉडी को आधे घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया जैसे ही उन्होंने अपना मन शरीर पूरा किया उनकी पांचों इंद्रियों में गुणात्मक परिवर्तन आ गया परिवेशीय मन के साथ उनकी आत्मीयता आसमान छू गई प्रणाली मन शरीर निर्मित पूर्णता दर इक्यानवे परसेंट क्या आप इस मन शरीर को रखना चाहते हैं अथर्व ने सिस्टम नोटिफिकेशन सुना तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इक्यानवे परसेंट पूर्णता दर हासिल कर लेंगे एक महाकाव्य मन बॉडी कांस्य रैंक वाले संस्करण की तुलना में कई गुना अधिक जटिल थी और यहां तक कि सिल्वर मन बॉडी के साथ नब्बे हासिल करना भी बेहद कठिन था गॉड्स डोमेन में ऐसे बहुत कम खिलाड़ी थे जो गोल्ड मैना बॉडी के साथ नब्बे पूर्णता दर हासिल करने में सक्षम थे जहां तक अथर्व को याद है अतीत में उच्चतम पूर्णता दर गोल्ड मैना बॉडी वाला खिलाड़ी एलिस द विच ऑफ द वेस्ट था वह अट्ठानवे परसेंट पूर्णता दर के साथ पीक गोल्ड मैना बॉडी हासिल करने में सफल रही थी बेशक एलिस असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी यही वजह है कि उसने इतनी उच्च पूर्णता दर प्राप्त की थी उसके मन का हेरफेद बिल्कुल ईश्वरीय था यहां तक कि अनुभवी डोमेन क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसकी बराबरी नहीं कर सके अपने शक्तिशाली मैना बॉडी की बदौलत वह ईयर छह मैच गॉड बनने के बाद भी गॉड्स डोमेन के शिखर पर बनी रही मन बॉडी की पूर्णता दर जितनी अधिक होगी मन बॉडी उतनी ही अधिक भयावह रूप से शक्तिशाली होगी विशेष रूप से उच्च रैंक वाले मन निकायों के लिए मैना बॉडीज कोई बोनस बुनियादी विशेषताएं प्रदान नहीं कर सकती हैं लेकिन उन्होंने सहनशक्ति और एकाग्रता पुनर्प्राप्ति रक्षा और आत्मोपचार क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि की पेशकश की है अट्ठानवे परसेंट पूर्णता दर के साथ एक गोल्ड मन बॉडी खिलाड़ियों के मन पर नियंत्रण को भी मजबूत कर सकती है जिससे उन्हें अपने कौशल और मंत्रों के साथ अधिक शक्ति प्रदर्शित करने की अनुमति मिल सकती है इस वजह से टीयर तीन पर पहुंचने के बाद एलिस में गुणात्मक परिवर्तन आया था उसका मन हेरफेर पहले से ही प्रभावशाली था और उसके मन शरीर से वरदान प्राप्त करने के बाद वह व्यावहारिक रूप से अपने सभी टीयर तीन मंत्रों के साथ एक पूर्णता दर प्राप्त करने में सक्षम थी अधिकांश शिखर विशेषज्ञ कठिन प्रशिक्षण के बाद अपने टीयर तीन मंत्रों के साथ केवल 90 परसेंट पूर्णता दर बनाए रखने में सक्षम थे फिर भी एलिस बहुत कम समय में 100 परसेंट के स्तर पर पहुंचने में कामयाब रही टीयर तीन स्पेल के साथ 90 परसेंट पूर्णता दर तक पहुंचने के बाद प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिशत स्पेल की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा एक पूर्णता दर पर एक खिलाड़ी का टीयर तीन स्पेल उपयोग किए गए टीयर तीन नायकों के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है यह कल्पना करना आसान था कि ये मंत्र खिलाड़ियों के विरुद्ध कितने विनाशकारी होंगे हालांकि अथर्व ने अट्ठानवे परसेंट पूर्णता दर हासिल नहीं की थी लेकिन इक्यानवे परसेंट अर्ज करना उसकी उम्मीदों से परे था मैं इसे रखूंगा अपनी घबराहट से बाहर निकलते हुए अथर्व ने तुरंत अपने वर्तमान मैना बॉडी को रखने का फैसला किया मन बॉडी का निर्माण करते समय कोई बचत विकल्प नहीं था यदि खिलाड़ी निर्माण का प्रयास छोड़ देते हैं तो उन्हें फिर से शुरुआत करनी होगी इसलिए खिलाड़ियों को अपने मैना बॉडी का निर्माण करते समय एक स्पष्ट लक्ष्य ध्यान में रखना होगा एक बार जब वे उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो मन शरीर को स्वीकार करना और आगे के किसी भी प्रयास से बचना बुद्धिमानी होगी यदि कोई बेहतर परिणाम की तलाश जारी रखता है तो अंत उसका समय समाप्त हो जाएगा और सब कुछ खो जाएगा अथर्व ने अपने पिछले जीवन में कई खिलाड़ियों को यह गलती करते देखा था पूर्णता की अनथीन खोज ही कारण थी कि कई विशेषज्ञ खिलाड़ियों को अपने खाते हटाने और फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा हालांकि खिलाड़ी एक नया खाता शुरू करके एक मजबूत नीम स्थापित कर सकते हैं लेकिन वे कई अवसर भी खो देंगे अन्य लोगों ने पहले ही निम्नस्तरीय मानचित्रों का पता लगा लिया होगा जिससे नए खिलाड़ियों के लिए बहुत कम जगह बचेगी नया खाता शुरू करते समय खिलाड़ियों को उतने शक्तिशाली बनने की गारंटी नहीं थी जितनी वे अपने पुराने खाते के साथ थे अथर्व ने इक्यानवे परसेंट पूर्णता दर हासिल की उसका एक कारण उसकी सही विचार प्रक्रिया की खोज थी भाग्य भी एक बड़ा कारण था वह इन परिणामों को दोहराने के प्रति आश्वस्त नहीं था और यदि उसने कोशिश की और नवासी परसेंट पूर्णता दर अर्जित की तो वह बसरोएगा नवासी परसेंट पूर्णता दर वाली मन बॉडी और नब्बे परसेंट पूर्णता दर वाली मन बॉडी के बीच बहुत बड़ा अंतर था और एकाग्रता वसूली में महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा हालांकि नब्बे परसेंट से चौरानवे परसेंट पूर्णता दर वाले मन निकायों को शीर्षग्रेड माना जाता था और उपरोक्त सभी बोनस को अधिकतम कर दिया जाएगा यदि उसके पास पंचानवे परसेंट पूर्णता दर या उससे अधिक प्राप्त करने की उच्च संभावना है तो एक और प्रयास जोखिम के लायक हो सकता है आखिरकार तिरानवे परसेंट या चौरानवे परसेंट पूर्णता दर से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा हालांकि यदि उसने नब्बे परसेंट से कम पूर्णता दर अर्जित की तो वह बर्बाद हो जाएगा अथर्व द्वारा मैना बॉडी को स्वीकार करने के बाद उसके चारों ओर का जादुई घेरा एक चकाचौंध रोशनी से चमक उठा और मैना की एक भयानक मात्रा उसके अंदर बहने से पहले तेजी से इकट्ठा हो गई मन की धार उसमें भर गई अथर्व को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो जलन की अनुभूति उसके पीक ब्रॉन्ज मैना बॉडी की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी लेकिन जैसे जैसे उनका उन्नत महाकाव्य मन शरीर आकार लेने लगा अपने आसपास की दुनिया के बारे में अथर्व की धारणा तेज हो गई अथर्व के शरीर में जादुई सर्किट उभरने लगे और परिवेशीय मन लगातार उसके भीतर इकट्ठा होता गया हालांकि दो सेकंड बाद जादुई सर्किट फीका पड़ गया लेकिन मन ने उसमें बहना बंद नहीं किया सिस्टम बधाई हो आप टेयर तीन ब्लेड सेंट बन गए हैं और एक उन्नत महाकाव्य मन बॉडी प्राप्त की है सभी बुनियादी गुण प्लस चार सौ सभी प्रतिरोध प्लस अस्सी हमले की शक्ति और हमले की गति तीस परसेंट बढ़ गई सभी बुनियादी गुण साठ परसेंट बढ़ गए और काया सत्तर परसेंट बढ़ गई अस्सी लीगेसी कौशल अंक का पुरस्कार अंक में मुझे मेरा शरीर वापस मिल गया नए बदलावों को महसूस करके अथर्व बहुत खुश था तीन टियर उन्होंने अपने पिछले जीवन के दौरान टियर तीन खिलाड़ी के रूप में लगभग एक दशक बिताया था इसलिए वह इस टीयर से सबसे अधिक परिचित थे अब जब वह अपने चरम पर पहुंच गया था तो वह अंत अपनी वास्तविक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सका जबकि अथर्व परिचित शक्ति का आनंद ले रहा था उसने देखा कि उसकी धारणा पहले की तुलना में काफी तेज हो गई थी वह हवा में मैना के प्रवाह को भी महसूस कर सकता था एक प्रोटोटाइप डोमेन इस अनुभूति ने अथर्व को आश्चर्यचकित कर दिया क्या यह एक उन्नत महाकाव्य मन शरीर की क्षमता है पहले वह केवल अपनी पांच इंद्रियों पर भरोसा करके अपने आसपास के तीस गज के दायरे में ऐसे विवरणों को समझने में सक्षम था हालांकि अब उसकी धारणा पचास गज दूर तक फैल गई थी इसके अलावा वह पचास गज के दायरे में एक पूर्ण अधिपति की तरह महसूस करता था निसंदेह वास्तव में इस क्षेत्र पर उसका नियंत्रण नहीं था उसके पास परिवेशीय मन का केवल अल्पविकसित नियंत्रण था फिर भी यह एक प्रोटोटाइप डोमेन था एक डोमेन एक विशिष्ट क्षेत्र में मन को नियंत्रित करने के सिद्धांत पर संचालित होता है ताकि एक लघु दुनिया बनाई जा सके जो खिलाड़ी के पक्ष में हो हालांकि वह प्रोटोटाइप डोमेन के साथ अपने दुश्मनों को दबा नहीं सका लेकिन वह परिवेशीय मन में हेरफेर कर सकता था और जहां उसके दुश्मन खड़े थे वहां मन घनत्व को कम कर सकता था घटे हुए घनत्व से खिलाड़ियों की बुनियादी विशेषताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन यह युद्ध में उनकी एकाग्रता को प्रभावित करेगा ऐसी क्षमता निश्चित रूप से उसे युद्ध में बढ़त दिलाएगी बॉडी के कारण उसकी सहनशक्ति और एकाग्रता की पुनर्प्राप्ति दर में कम से कम सत्तर परसेंट का सुधार हुआ है वह इतना सख्त हो गया था कि सीक्रेट सिल्वर वेपन से पूर्ण शक्ति वाला हमला भी उसे आसानी से घायल नहीं कर सकता था दूसरे शब्दों में यदि गुप्त सिल्वर हथियार चलाने वाला कोई खिलाड़ी अपने शरीर के असुरक्षित हिस्सों पर हमला करता है तो उनकी क्षति न्यूनतम संभव मूल्य तक कम हो जाएगी जैसे कि उन्होंने कवच के टुकड़े पर हमला किया हो अब जब उसने अपना मैना बॉडी प्राप्त कर लिया तो अथर्व ने नए कौशल की जांच करने के लिए अपना लिगेसी स्किल मेनू खोला बीस से अधिक टियर तीन कौशल उपलब्ध थे और उनमें से प्रत्येक को सीखने के लिए कम से कम 20 लिगेसी कौशल बिंदुओं की आवश्यकता थी कुछ अधिक शक्तिशाली कौशलों के लिए 50 अंकों की भी आवश्यकता होती है जो खिलाड़ी अपरंपरागत तरीकों से लिगेसी स्केल पॉइंट इकट्ठा करने में असफल रहे थे वे टियर तीन पर पहुंचने पर दो टीयर तीन कौशल सीखने के लिए भाग्यशाली होंगे सौभाग्य से अथर्व के लिए ऐसा नहीं था अब तक उसने जो अंक बचाए थे और जो अंक उसने अभी प्राप्त किए हैं उसके साथ उसके पास खर्च करने के लिए लगभग 100 सौ लीगेसी कौशल अंक थे अथर्व ने ब्लेड लिबरेशन और ब्लेड अवेकनिंग को टीयर तीन में अपग्रेड करने के लिए तुरंत 40 लीगेसी स्केल पॉइंट खर्च किए इसके बाद उन्होंने वॉयड स्लैश सीखने के लिए अन्य 50 पॉइंट खर्च किए जो कि टीयर तीन ब्लेड सेंट द्वारा सीखी जाने वाली सबसे मजबूत स्किल है शून्य स्लैश क्रिया प्रकार आवश्यकता है तलवार टीयर तीन टीयर चार में अपग्रेड करने के लिए आवश्यक दक्षता शून्य बटा एक लाख छह स्लैश निष्पादित करने के लिए शून्य की शक्ति में हेरफेर करें प्रत्येक स्लैश उपयोगकर्ता की 150 परसेंट ताकत वहन करता है और 200 परसेंट दैवीय क्षति का कारण बनता है उपयोगकर्ता छह स्लैश में से किसी भी स्थान पर स्थानांतरित कर सकता है कूलडाउन आठ सेकंड टीयर तीन स्किल्स में न केवल टीयर दो स्किल्स की तुलना में अधिक कच्ची शक्ति थी बल्कि वे उच्च स्तरीय राक्षसों को घायल करने में भी अधिक सक्षम थे हालांकि टीयर तीन स्किल्स में बहुत लंबे कूलडाउन थे जिनके पास अपार शक्ति और वॉयड स्लैश जैसे छोटे कूलडाउन थे वे असाधारण रूप से दुर्लभ थे आमतौर पर खिलाड़ी लंबे कूलडाउन की भरपाई के लिए कई टीयर तीन कौशल सीखने और उन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं हालांकि अकेले वॉयड स्लैश के साथ अथर्व एक टीयर तीन खिलाड़ी की लगभग पूरी क्षमता वाला डीपीएस प्रदर्शित कर सकता है अब जब मैं टीयर तीन पर पहुंच गया हूं तो अब समय आ गया है कि मैं सभी को लेवल एक सौ के तटस्थ मानचित्र पर ले जाऊं अपनी नई ताकत के साथ अथर्व को भरोसा था कि वह अन्ना और काइट की मदद के बिना भी लेवल एक के महान भगवान को खत्म कर सकता है जब अथर्व ने लाइब्रेरी छोड़ी तो उसने एडवेंचरर एसोसिएशन की ओर अपना रुख किया हालांकि अब वह आधिकारिक तौर पर टियर तीन खिलाड़ी था फिर भी उसे उचित प्रमाणन प्राप्त करने के लिए एडवेंचरर एसोसिएशन में अपनी उपलब्धि दर्ज करने की आवश्यकता थी एडवेंचरर एसोसिएशन में टियर तीन प्रमाणन प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण था यह न केवल खिलाड़ियों को उनके स्तर के लिए उपयुक्त उच्च रैंक वाली खोजों को स्वीकार करने की अनुमति देगा बल्कि उन्हें गॉड्स डोमेन में सच्चे पावरहाउस के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा फिर वे तटस्थ मानचित्रों में मोनार्क मालिकों पर छापा मारने और क्षेत्र के शासक बनने के योग्य हो जाएंगे यही कारण है कि अतीत में विभिन्न शक्तियां अपने सदस्यों को टीयर तीन में लाने के लिए इतनी बेताब रही थीं टीयर तीन के निर्णायक मोड़ ने केवल विशेषज्ञों को एक दूसरे से अलग नहीं किया इससे यह भी निर्धारित होता है कि कोई सच्चा अधिपति बनने के योग्य है या नहीं आखिरकार गॉड्स डोमेन में आधिपत्य के लिए विभिन्न शक्तियों का असली युद्ध क्षेत्र एक से अधिक तटस्थ मानचित्रों में था प्रारंभ में अथर्व ने स्तर एक सौ के तटस्थ मानचित्र में एक गिल्ड टाउन स्थापित करने की योजना बनाई थी और धीरे धीरे प्रभुत्व की ओर बढ़ रहा था लेकिन अब जब प्लेनर मार्ग खुल गए थे और साहसी गठबंधन उसकी अपेक्षा से पहले ही बन गए थे तो उसे एक अधिक कुशल योजना की आवश्यकता थी प्लेनर पैसेज की सक्रियता ने न केवल स्वतंत्र खिलाड़ियों की लेवलिंग गति को तेज़ किया है इसने विभिन्न शक्तियों के लिए भी ऐसा किया था अब उसके पास लेवल एक से अधिक तटस्थ मानचित्रों को जीतने के लिए उतना समय नहीं था जीरो विंग विभिन्न महाशक्तियों की तरह नहीं था इसके पास स्तर 100 के तटस्थ मानचित्रों में जितनी जल्दी महाशक्तियां हो सकती थीं उतनी जल्दी नींव सुरक्षित करने के लिए जनशक्ति और संसाधनों की कमी थी इसके अलावा जीरो विंग विभिन्न महाशक्तियों जितना क्षेत्र सुरक्षित करने में सक्षम नहीं होगा स्तर 100 तटस्थ मानचित्र में एक गिल्ड टाउन स्थापित करने के लिए सत्तारूढ़ शक्ति को मानचित्र में दीर्घकालिक रूप से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को तैनात करने की आवश्यकता होगी स्तर एक के तटस्थ मानचित्र राज्यों और साम्राज्यों से बहुत दूर थे जिन्हें मुक्त क्षेत्र माना जाता था जो किसी भी राज्य या साम्राज्य के संरक्षण से बाहर थे इसके अलावा तटस्थ मानचित्रों के कठोर वातावरण के कारण एनपीसी को इन गिल्ड टाउन का दौरा करने में विशेष रुचि नहीं थी परिणामस्वरूप बहुत कम एनपीसी सैनिकों के रूप में आवेदन करेंगे और जो आवेदन करेंगे वे अत्यधिक वेतन मांगेंगे इसलिए राज्यों साम्राज्यों और निन्नस्तरीय तटस्थ मानचित्रों के भीतर गिल्ड टाउन के विपरीत खिलाड़ियों को लेवल एक तटस्थ मानचित्रों में अपने गिल्ड टाउन की अधिकांश सुरक्षा को संभालना पड़ता था यही कारण है कि जो गिल्ड स्तर 100 से अधिक तटस्थ मानचित्रों में अपना स्थान सुरक्षित करना चाहते थे उन्हें अपने कस्बों को जल्द से जल्द गिल्ड शहरों में अपग्रेड करने की आवश्यकता थी वे केवल गिल्ड सिटी के साथ मानचित्र पर अपना शासन मजबूत करने में सक्षम होंगे आखिरकार गिल्डों को न केवल राक्षसी हमलों का सामना करना पड़ेगा बल्कि उन्हें दुश्मन शक्तियों से भी निपटना होगा सर 100 से अधिक तटस्थ मानचित्र में नियम स्थापित करना पहले से ही गेड के लिए एक गहन चुनौती थी और यह जीरो विंग के लिए विशेष रूप से कठिन होगा जिसमें कुछ मूलभूत पहलुओं का अभाव था अथर्व के मन में एकमात्र उपाय यही था कि वह भगवान बन जाए एक भगवान के रूप में खिलाड़ियों के पास अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार होगा और वे विभिन्न तटस्थ जाति एनपीसी की भर्ती करने में सक्षम होंगे एक लॉर्ड अपना स्वयं का नाइट डिवीज़न भी स्थापित कर सकता है एनपीसी के खिलाड़ी नाइट डिवीज़न के लिए भर्ती कर सकते थे वे एनपीसी सैनिकों से भिन्न थे जिन्हें गिल्ड टाउन की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जा सकता था वे पर्सनल गार्ड के समान थे और खिलाड़ी इन शूरवीरों को विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों से भर्ती कर सकते थे उनका पालन पोषण कर सकते थे जैसे वे पर्सनल गार्ड करते थे एक बार जब कोई खिलाड़ी किसी भूमि का स्वामी बन जाता है तो वह पांच हजार शूरवीरों तक की भर्ती कर सकता है हालांकि यह बहुत अधिक प्रतीत नहीं होता था ये शूरवीर वास्तविक एनपीसी थे और गिल्ड के क्षेत्रों की रक्षा करते समय बेहद मददगार होंगे जब अथर्व एडवेंचरर एसोसिएशन की ओर गया तो उसने ब्लैकी को फ़ोन किया ब्लैकी उत्तरी किले में चीज़ें कैसी चल रही हैं अथर्व ने पूछा उन्होंने अपनी प्रमोशन क्वेस्ट को पूरा करने में काफ़ी समय बिताया था हालांकि उन्होंने ब्लैकी और अन्य लोगों से कहा था कि जब तक कुछ महत्वपूर्ण न हो जाए तब तक उनसे संपर्क न करें और उन्हें कोई कॉल न मिले उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि ड्रैगन हार्ट द्वीप की विभिन्न महाशक्तियां उनके पास बैठकर देखने में संतुष्ट थीं जबकि ज़ीरो विंग ने एक टन मुनाफ़ा कमाया था अपनी नई खोजी गई सोने की खान से किले में खिलाड़ियों की आबादी पहले ही एक पांच सौ शून्य 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 तक पहुंच चुकी है और हम प्रतिदिन लगभग चौदह हजार प्राचीन सोना कमा रहे हैं ड्रैगन हार्ट द्वीप की विभिन्न शक्तियां व्यावहारिक रूप से एशिया से मर रही हैं विशेषकर बोरब्लाड उत्तरी किले के लाभों के कारण लगभग कोई भी बोरब्लाड के रॉक नेस्ट किले का दौरा नहीं कर रहा है ब्लैकी ने हंसते हुए कहा रक्त शपथ शायद अभी उसका दिमाग खराब कर रही है इसके अलावा आपके निर्देशों के अनुसार मैंने कुछ दिन पहले वर्ल्ड टॉवर के पास ज़मीन का एक प्लॉट खरीदा था और मैंने ड्रैगन हार्ट सिटी के आंतरिक क्षेत्र में एक गिल्ड निवास खरीदा था इसलिए हमारे गिल्ड के पास शहर में एक अस्थायी विश्राम स्थल है यह सुनकर कि ब्लैकी ने पिछले कुछ दिनों में कितना कुछ खरीदा है अथर्व ने दुरख भरी आह भरी उन्होंने अपने पिछले जीवन में कई हज़ार प्राचीन सोने को एक बड़ी राशि माना था फिर भी अब उन्होंने अकेले उत्तरी किले से हर दिन चौदह हजार प्राचीन सोना कमाया यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अतीत में विभिन्न महाशक्तियों ने ग्रेविटी पर्वत श्रृंखला के किलों पर कब्जा करने के लिए इतना कड़ा संघर्ष क्यों किया था हालांकि प्लेनर पैसेज के खुलने के कारण ड्रैगन हार्ट द्वीप की शक्तियां तेजी से विकसित हो रही हैं कई महाशक्तियों के पास अब अपने स्वयं के छोटे किले हैं और मुझे प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर बोरब्लाड स्टार्लिंग और थर्टीन थ्रोन्स दक्षिणी टावर मीडियम किले की ओर बढ़ रहे हैं ब्लैकी ने चिंतित होकर कहा यदि वे सफल होते हैं तो हम संभवतः उत्तरी किले की आय में उल्लेखनीय कमी देखेंगे इससे निश्चित रूप से ड्रैगन हार्ट सिटी में हमारे विकास को कोई लाभ नहीं होगा हम कुछ और किलों पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते गिड लीडर जीरो विंग के पास अब ग्रेविटी माउंटेन रेंज में काफी जनशक्ति थी फीनिक्स रेन के अधीनस्थों द्वारा उत्तरी किले की रक्षा करने के साथ उनके पास अन्य किलों पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त ताकत थी ग्रेविटी पर्वत श्रृंखला में केवल इतने ही किले थे यदि उन्होंने कुछ और पर कब्जा कर लिया तो उन्हें अपने मुनाफे का सत्तर से अस्सी बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए भले ही उत्तरी किले की आय कम हो गई हो अन्य शक्तियों को किले के लिए लड़ने दो हमें केवल उत्तरी किले की जरूरत है अथर्व ने हंसते हुए कहा इसके अलावा सभी मुख्य बल सदस्यों को व्हाइट सिटी में इकट्ठा होने के लिए सूचित करें हम स्तर एक सौ के तटस्थ मानचित्र की ओर बढ़ेंगे अभी हमें वास्तव में यहीं रहने की ज़रूरत है ग्रेविटी माउंटेन रेंज अभी खिलाड़ियों के लिए स्तरों और संसाधनों के लिए एक उत्कृष्ट जगह थी लेकिन यह खिलाड़ियों को प्रमुखता हासिल करने में मदद नहीं कर सकी एक स्तर एक सौ तटस्थ मानचित्र अथर्व की योजना सुनकर ब्लैकी की आंखों में चमक आ गई ठीक है मैं उन्हें तुरंत सूचित करूंगा ग्रेविटी माउंटेन रेंज में प्रचुर संसाधन थे लेकिन यह अज्ञात स्तर एक सौ के तटस्थ मानचित्रों की तुलना में फीका था इसके अलावा जीरो विंग के मुख्य बल के सदस्यों को ग्रेविटी माउंटेन रेंज में पीसने की तुलना में अपने स्तर पर लेवल एक तटस्थ मानचित्रों को पीसने से अधिक लाभ होगा कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद ब्लैकी ने जीरो विंग के मुख्य बल के सदस्यों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और व्हाइट रिवर सिटी की ओर बढ़ गया इसी बीच अथर्व एडवेंचररर एसोसिएशन में पहुंचे एडवेंचर एसोसिएशन इस समय काफी सक्रिय था जिसमें शहर के नीलामी घर के समान ही कई खिलाड़ी शामिल थे नीलामी घर एकमात्र निर्माण नहीं था जो व्हाइट रिवर सिटी के प्रचार के बाद बदल गया एडवेंचरर्स एसोसिएशन भी इसी तरह से एक कायापलट से गुजरा है और अब इसमें बहुत अधिक एनपीसी शामिल हैं जो खोजों को भेजने के लिए आए थे इनमें से कुछ खोजों में उच्च स्तरीय तटस्थ मानचित्र और राज्य की सीमाओं तक अनुरक्षण खोज शामिल थीं यदि कोई भाग्यशाली होता तो उसे तटस्थ मानचित्रों में राक्षसों को मारने के लिए धर्मयुद्ध अभियान भी मिल सकते थे उपकरण और धन दोनों अर्जित करने के अवसर के साथ एडवेंचररर एसोसिएशन कई स्वतंत्र खिलाड़ियों के लिए एक केंद्र बन गया था जैसे ही अथर्व ने पहली मंजिल के हॉल में प्रवेश किया लेवल नब्बे से अधिक के खिलाड़ियों को देखकर उसका स्वागत किया गया अब शाही राजधानियों में एडवेंचरर एसोसिएशन भी व्हाइट सिटी में एसोसिएशन की समृद्धि की तुलना नहीं कर सकते भीड़ को चीरते हुए अथर्व तेजी से दूसरी मंजिल के हॉल में पहुंचा और टियर तीन साहसी के रूप में अपने प्रमाणन के लिए आवेदन किया वीआईपी रिसेप्शन रूम में प्रक्रिया पूरी करने के बाद एडवेंचरर एसोसिएशन ने आधिकारिक तौर पर अथर्व को टियर तीन पावर हाउस के रूप में मान्यता दी लॉर्ड ब्रॉन्ज लेगेटी क्या आज मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूं एलवेन महिला जिसने उसका स्वागत किया था मुस्कुराते हुए पूछा अथर्व ने घोषणा की मैं कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के लिए मोनार क्रूसेर खोज देखना चाहता हूं कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट स्टार मून किंगडम का निकटतम स्तर एक सौ तटस्थ मानचित्र था और यह अपेक्षाकृत आरामदायक वातावरण वाले कुछ स्तर एक सौ मानचित्रों में से एक था अतीत में लेवल एक सौ तक पहुंचने के बाद कई टीयर दो खिलाड़ियों को कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में पीसना पड़ा था जिसमें अथर्व भी शामिल था हालांकि जब तक वह टीयर तीन तक पहुंचा विभिन्न महाशक्तियों ने मानचित्र के छह क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था अब चूंकि वह खेल में पहला टीयर तीन खिलाड़ी था इसलिए वह इस अवसर को नहीं चूक सकता था अथर्व के अनुरोध करने के बाद एल्वेन प्रशासक ने एडवेंचरर एसोसिएशन के संदर्भ कक्ष की त्वरित यात्रा की और साथ चर्मपत्र स्क्रॉल के साथ वापस लौटा लॉर्ड ब्रॉन्ज लेगेटी यहां आपके द्वारा अनुरोधित क्रूसिर क्वेस्ट हैं यहां कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के सभी सात राजाओं के बारे में जानकारी है एल्वेन प्रशासक ने स्क्रॉल को मेज पर रखते हुए कहा सात सम्राट जब अथर्व ने सात प्राचीन स्क्रॉल देखे तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ गॉड्स डोमेन में केवल एक सम्राट ही एक क्षेत्र का प्रबंधन करेगा और जहां तक वह जानता था कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में केवल छह क्षेत्र शामिल थे इसका मतलब था कि केवल छह सम्राट होने चाहिए उसने सातवें के बारे में कभी नहीं सुना था हे प्रभु मुझे आपको याद दिलाना है कि आप केवल एक धर्मयुद्ध खोज को स्वीकार कर सकते हैं चाहे आप सफल हो या असफल आप केवल दस दिनों के बाद ही एक और धर्मयुद्ध क्वेस्ट स्वीकार कर सकते हैं ट्रांसफर स्टोन्स बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां भी काफी महंगी हैं कृपया बुद्धिमानी से चुने रेलवेम प्रशासक ने समझाया अथर्व को पहले से ही यह सब पता था और चुपचाप सिर हिलाते हुए वह स्क्रॉल का निरीक्षण करने लगा वह जानना चाहता था कि क्या उसने अपने पिछले जीवन के दौरान जो जानकारी प्राप्त की थी वह बदल गई है यदि कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के सम्राट उसके पुनर्जन्म के कारण बड़े पैमाने पर बदल गए होते तो उसकी योजनाएं अचानक समाप्त हो जाती मोनार्क कोई साधारण फील्ड बॉस नहीं था हो सकता है कि वे 100 से अधिक स्तर के विश्व मालिकों जितने शक्तिशाली न हों, लेकिन उन्हें सुपीरियर पौराणिक राक्षस माना जाता था वे टियर तीन खिलाड़ियों को कुचलने वाली चींटियों की तरह आसानी से मार सकते हैं समान स्तर की तीन सदस्यीय टीम के साथ ऐसे बॉस पर छापा मारने की कोशिश करना व्यर्थ होगा खिलाड़ियों को मोनार्क पर हमला करने के लिए विशेष साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था लगभग दस मिनट तक जानकारी ब्राउज करने के बाद अथर्व ने राहत की सांस ली भगवान का शुक्र है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा मुझे याद था एकमात्र अतिरिक्त सम्राट का है लेकिन जैसे ही उसने आह भरी उसकी नजर अतिरिक्त सम्राट की जानकारी पर टिकी रही सातवां सम्राट प्रसिद्ध ड्रैगन रेसाइस ड्रैगन हीथवेट का हिस्सा था इस बीच हीथवेट ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह कोल्ड स्प्रिंग कैनियन था जो कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के मध्य क्षेत्र में स्थित था कोल्ड स्प्रिंग कैनियन अतीत में अपने द्वारा उत्पादित अत्यंत दुर्लभ आर्कटिक जल के कारण गॉड्स डोमेन में काफी प्रसिद्ध था आर्कटिक जल गॉड्स डोमेन की उन कुछ वस्तुओं में से एक था जो किसी खिलाड़ी की अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता में सुधार कर सकता था प्रभाव आश्चर्यजनक नहीं हो सकते हैं और आइटम गोल्ड मैना बॉडीज या बेहतर वाले खिलाड़ियों के लिए बेकार था लेकिन यह टियर दो खिलाड़ियों के लिए काफी मददगार होगा जब उन्होंने अपने टीयर तीन प्रमोशन क्वेस्ट को चुनौती दी थी अथर्व के पिछले जीवन के दौरान कोल्ड स्प्रिंग कैनियन पर नियंत्रण के लिए इतनी सारी शक्तियों ने लड़ाई लड़ी थी अथर्व ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई वास्तव में कोल्ड स्प्रिंग कैनियन पर शासन कर सकता है बिना किसी हिचकिचाहट के अथर्व ने आइस ड्रैगन हीथवेट का शिकार करने के लिए क्रूसेड क्वेस्ट स्वीकार कर लिया क्या आप वाकई इस खोज को स्वीकार करना चाहते हैं लॉर्ड ब्रॉन्ज लिगेटी हमारे पास आइस ड्रैगन की मान से जुड़ा केवल एक ट्रांसफर स्टोन बचा है यदि आप इस खोज में असफल हो जाते हैं तो आप भविष्य में इसे दोबारा स्वीकार नहीं कर पाएंगे एल्वेन प्रशासक ने चेतावनी दी जब अथर्व ने क्रुसेर क्वेस्ट का चयन किया जो एक शताब्दी से अधिक समय तक अछूता रहा था मैं इसे ले लूंगा अथर्व ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा अपनी यादों की बदौलत उसे अन्य राजाओं का शिकार करने में सफलता मिलने की बहुत अधिक संभावना है लेकिन कोल्ड स्प्रिंग कैनियन इतनी मूल्यवान थी कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता था तकनीकी रूप से वह पहले अन्य छह राजाओं में से एक का शिकार कर सकता था और दस दिनों के इंतजार के बाद आइस ड्रैगन पर छापा मार सकता था लेकिन जीरो विंग के मौजूदा मानकों के साथ एक क्षेत्र को कवर करना गिड पर काफी कर लगाने जैसा होगा जीरो विंग केवल दो क्षेत्रों का प्रबंधन नहीं कर सका चूंकि वह एक ही क्षेत्र तक सीमित था इसलिए उसे उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प चुनना था भले ही वह विफल रहा वह किसी अन्य शक्ति को कोल्ड स्प्रिंग कैनियन प्राप्त करने से रोक सकता था हिथवेट की मांग में टेलीपोर्ट करने की लागत काफी अधिक है आपको जमा राशि के रूप में दस हजार सोना और बीस हजार मैजिक क्रिस्टल का भुगतान करना होगा यदि आप खोज पूरी करते हैं तो हम पूरी जमा राशि वापस कर देंगे साथ ही आपको आपका उचित पारिश्रमिक भी देंगे हालांकि यदि आप असफल होते हैं तो आपकी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी एल्वेन प्रशासक ने गंभीरता से कहा वह ठीक है अथर्व ने इस कीमत के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी उसने एल्वेन प्रशासक को भूरे भूरेस्फेद क्रिस्टल के बदले में जमा राशि सौंप दी यह क्रिस्टल कोई और नहीं बल्कि आइस ड्रैगन की मांग के लिए ट्रांसफर स्टोन था ट्रांसफर स्टोन प्राप्त करने के बाद अथर्व कैंडल ट्रेडिंग फर्म में वहां संग्रहित कुछ डार्क गोल्ड हथियारों को पुनः प्राप्त करने के लिए गया इसके बाद उन्होंने एबिसल ब्लेड को लेवल नब्बे पर अपग्रेड किया जो उतना ही ऊंचा था जितना वह अभी मैजिक वेपन को अपग्रेड कर सकते थे लेवल पचानवे हथियारों को अभी भी एक विलासिता माना जाता था लेवल पचानवे डार्क गोल्ड हथियारों का तो जिक्र ही नहीं किया गया सौभाग्य से एबिसल ब्लेड की आक्रमण शक्ति और विशेषताएं लेवल 100 सौ एपिक हथियार की तुलना में थोड़ी ही कम थीं इस तथ्य के बावजूद कि यह केवल लेवल 90 का जादुई हथियार था अथर्व की जरूरतों के लिए एबिसल ब्लेड पर्याप्त से अधिक होगा अथर्व ने कैंडललाइट ट्रेडिंग फर्म के दूसरे बेसमेंट फ्लोर का दौरा किया जहां उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं संग्रहित की थीं एक गिर्ड निवास काफी सुरक्षित था लेकिन व्हाइट सिटी में कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म जीरो विंग के गिर्ड हॉल की तुलना में कई गुना अधिक सुरक्षित थी इस बिंदु पर केवल टीयर चार खिलाड़ियों को ही शॉप की सुरक्षा को तोड़ने की कोई उम्मीद होगी इस समय एक एनपीसी गार्ड दूसरे बेसमेंट मंजिल पर गोदाम के सामने खड़ा था वह लेवल एक सौ टियर तीन गोल्ड गार्ड था और जब तक किसी की अनुमति न हो टीयर तीन शीर्ष विशेषज्ञ भी उससे आगे नहीं निकल पाता था कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की सुरक्षा प्रभावशाली रूप से सख्त थी सेलियोरा की मदद से अथर्व ने पहले डिसइंटीग्रेशन आर्मर को फिर से तैयार किया था जो कि पौराणिक उपकरण का एक टुकड़ा था फिर भी अधूरा होने के बावजूद यह अथर्व के उपयोग के लिए बहुत शक्तिशाली था इसके अलावा विघटन कवच को अपने साथ ले जाना सुरक्षित नहीं था इसलिए उसने इसे कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के भूमिगत गोदाम में संग्रहित किया था सबसे पहले वह इसे खोने का जोखिम नहीं लेना चाहता था भले ही उसकी मृत्यु पर इसके गिरने की संभावना नगण्य थी दूसरा इसे दोबारा ढालने के बाद भी विघटन कवच की आभा अभी भी अयस्को विशेष रूप से शक्तिशाली ऊंचे स्तर वाले अयस्को को आकर्षित करेगी यदि उसने टियर दो खिलाड़ी के रूप में एक शक्तिशाली ओरे का ध्यान आकर्षित किया होता तो वह असहाय होता इसके अलावा वह इसे अभी तक सुसज्जित नहीं कर सका वह लंबे समय से पौराणिक वस्तुओं का शौकीन था उसने ऐसे खिलाड़ियों की अनगिनत कहानियां सुनी थीं जिनके पास अपने पिछले जीवन में एक महान वस्तु थी ऐसी कहानियां थीं कि टीयर चार खिलाड़ियों ने टीयर पांच खिलाड़ियों को हराया और टीयर पांच खिलाड़ियों ने टीयर छह रैंक वाले खिलाड़ियों को हरा दिया एक खिलाड़ी ने टीयर पांच ड्रैगन को अकेले भी चलाया था फिर भी लेजेंडरी इक्विपमेंट के जिस टुकड़े को प्राप्त करने के लिए उसने काफी मेहनत की थी वह एक अधूरा उत्पाद था और इसकी न्यूनतम उपयोग की आवश्यकता टीयर तीन थी मामले को बदतर बनाने के लिए वह तब तक इसके एट्रीब्यूट पैनल का निरीक्षण भी नहीं कर पाया था जब तक वह नहीं पहुंच गया था टीयर तीन विघटन कवच को पकड़े रहने से उसे केवल निराशा हुई होगी अब जब वह अंत टियर तीन तक पहुंच गया और विघटन कवच से लैस करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर लिया तो इसे पुनः प्राप्त करने का समय आ गया था लेजेंडरी इक्विपमेंट के एक टुकड़े के साथ आइस आइसड्रैगन कीथवेट को हराना बहुत आसान होगा आखिरकार पौराणिक वस्तुएं खिलाड़ियों को स्तरों को पार करने की अनुमति दे सकती हैं और एक टीयर तीन खिलाड़ी के रूप में उसे विघटन कवच से सुसज्जित टीयर चार आइस ड्रैगन के साथ मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए एक बार जब वह गोदाम में प्रवेश कर गया और विघटन कवच के सामने पहुंच गया तो अथर्व ने इसकी रक्षा करने वाली सील को मुक्त करने के लिए एक मंत्र का जाप किया जैसे ही सील धुंधली हो गई गहरे काले रंग की छाती के टुकड़े से लाल रंग की ऊर्जा फैल गई और फैल गई एक ऐसा दबाव जो टियर दो विशेषज्ञों को भी असहज कर सकता था गोदाम भरने लगा जैसे ही विघटन कवच की आभा उस पर हावी हुई अथर्व को महसूस हुआ कि उसका खून खोलने लगा है क्योंकि खून की लालसा उसके दिमाग में घर कर गई है उस विक्षुब्ध भावना को दबाने में कई सेकंड का समय लेते हुए अथर्व ने इसके गुण पैनल का निरीक्षण करने के लिए विघटन कवच पर टैप किया विघटन कवच की विघटन शक्ति के संपर्क में आने से अंतरिक्ष स्वयं ही धीरे धीरे ढहने लगा टियर तीन पर पहुंचने के बावजूद जैसे ही अथर्व ने कवच को छुआ उसे अपने दाहिने हाथ में मैना का कंपन महसूस हुआ और इसके टूटने के संकेत महसूस हुए मन फैलाव अथर्व के दाहिने हाथ में सनसनी ने उसे स्तब्ध कर दिया जब वह टीयर दो में था तब उसे इस बात का विशेष रूप से स्पष्ट अंदाज़ा नहीं था कि विघटन कवच ने उसके साथ क्या किया था उसने केवल कवच से एक मजबूत दम्भोंटू दबाव महसूस किया था हालांकि अब वह टियर तीन पर था वह विघटन शक्ति को अपने भीतर के मन को अवरुद्ध और नष्ट करते हुए महसूस कर सकता था हल्के से स्पर्श के बाद उसकी दाहिनी बाँह में मन का घनत्व काफी कम हो गया था यदि वह लंबे समय तक विघटन कवच के साथ संपर्क बनाए रखता है तो यह उसके शरीर को कवर करने वाले मन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा इस मैना कोटिंग को खोना कोई बड़ी समस्या नहीं लगती लेकिन यह टियर तीन और उससे ऊपर के खिलाड़ियों के लिए एक घातक झटका होगा टीयर तीन पर पहुंचने के बाद एक खिलाड़ी का मन शरीर भगवान के डोमेन में उनके द्वारा की जाने वाली हर कार्रवाई को संचालित करेगा यदि उनका मन शरीर मन का संचालन नहीं कर सका तो वे अपंग के समान होंगे जब खिलाड़ियों ने टियर तीन कौशल और मंत्रों का उपयोग किया तो मन बॉडी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कार्यशील मन शरीर के बिना उन क्षमताओं को सक्रिय करना लगभग असंभव होगा स्वाभाविक रूप से टीयर तीन खिलाड़ी टीयर तीन कौशल और मंत्रों के साथ युद्ध शक्ति प्रदर्शित कर सकता है और टीयर तीन खिलाड़ी जो ऐसा नहीं कर सकता के बीच अंतर एक नजर में स्पष्ट होगा एक बार जब अथर्व ने विघटन कवच पर टैप किया तो उसका गुण पैनल उसके सामने आ गया विघटन कवच अधूरा उत्पाद चेस्ट प्लेट पौराणिक रैंक उपकरण की आवश्यकता ताकत नौ चपलता सात हजार टीयर आवश्यकता टीयर तीन दिव्य रक्षा प्लस पंद्रह हजार खिलाड़ी के स्तर से प्रभावित सभी बुनियादी विशेषताएं प्लस एक हजार खिलाड़ी के स्तर और स्तर से प्रभावित शरीर का आकार एक सौ परसेंट बढ़ गया खिलाड़ी के स्तर से प्रभावित सुसज्जित होने पर ताकत एक सौ बीस परसेंट बढ़ी चपलता एक सौ परसेंट बढ़ी और सहनशक्ति एक सौ परसेंट बढ़ी सभी प्रतिरोध प्लस तीन सौ अथर्व ने तुरंत विघटन कवच सुसज्जित कर लिया 9000 की ताकत और 7000 की चपलता को पूरा करना अविश्वसनीय रूप से कठिन आवश्यकताएं थीं यहां तक कि पूर्ण शीर्ष स्तरीय उपकरण वाले टियर तीन खिलाड़ी को भी उन्हें पूरा करने के लिए लेवल 120 तक इंतजार करना होगा लेकिन अथर्व के लिए यह कोई मुद्दा नहीं था उनके पास न केवल एक उन्नत रक्तरेखा थी बल्कि उन्होंने दस महान संत विरासतों में से एक का भी उपयोग किया था इसके अलावा वह एक जादुई हथियार और कई खंडित पौराणिक वस्तुएं ले गया लेवल 100 पर दो आवश्यकताओं को पूरा करना वास्तव में उसके लिए काफी आसान था जैसे ही अथर्व ने विघटन कवच सुसज्जित किया उसे लगा कि उसके माध्यम से शक्ति प्रवाहित हो रही है उनके मूल गुण आसमान छू गए और उनकी धारणा में काफ़ी सुधार हुआ यहां तक कि उसका दिमाग भी पहले से कहीं ज्यादा साफ महसूस हुआ यदि वह अपनी वर्तमान स्थिति में केयर तीन वीर आत्मा नामक शीर्षक वाले उर्दिया से लड़ता है तो उसके पास मरे को हराने की उच्च संभावना होगी अब जाने का समय हो गया है उस समय पर नज़र डालने पर अथर्व को एहसास हुआ कि अब ब्लैकी और अन्य लोगों से मिलने का समय आ गया है उन्होंने व्हाइट सिटी के टेलीपोर्टेशन हॉल की ओर जाने से पहले विघटन कवच की आभा और जानकारी को छुपाने के लिए नाइटवॉकर के केप के, के नाइटवॉकर कौशल को सक्रिय किया व्हाइट सिटी का टेलीपोर्टेशन हॉल एक बार टेलीपोर्टेशन हॉल में अथर्व तीसरी मंजिल पर उच्च श्रेणी के बार में से एक में पहुंचा ब्लैकी और अन्य लोग पिछले कुछ समय से प्रतीक्षा कर रहे थे जब उन्होंने अथर्व को प्रतिष्ठान में प्रवेश करते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए यान तियानक सिंह और ये लोफेई विशेष रूप से चौंक गए क्योंकि उनके गिल्ड लीडर ने उनका ध्यान पांच रंगीन फ्रूट वाइन की दस सोने की बोतलों से हटा दिया तो यह टीयर तीन कक्षा है ब्लैकी ने समूह को पहले ही सूचित कर दिया था कि अथर्व अपने टीयर तीन प्रमोशन क्वेस्ट को चुनौती देने के लिए चला गया है और उनमें से कोई भी विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं हुआ था अथर्व पहले ही एक के स्तर पर पहुंच चुका था इसलिए उम्मीद थी कि वह अपनी प्रमोशन क्वेस्ट को चुनौती देगा हालांकि अथर्व के नाइट वॉकर केप ने उसकी आभा को छिपा दिया लेकिन यह इस तथ्य को नहीं छिपा सका कि परिवेशीय मन सक्रिय रूप से उसकी ओर प्रवाहित हो रहा था गॉड्स डोमेन के पास ऐसे हथियार और उपकरण थे जो मन को उनके उपयोगकर्ता की ओर आकर्षित करेंगे लेकिन उन वस्तुओं ने आमतौर पर खिलाड़ी के चारों ओर मन घनत्व को बढ़ाया अथर्व की ओर इतना अधिक मन प्रवाहित होने के बावजूद यान तियानक सिंह जिनकी इंद्रियां काफी तेज़ थीं और ये लोफे जो एक जादुई वर्ग के खिलाड़ी थे और डोमेन दायरे तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर थे ने माना कि अथर्व के चारों ओर मन का घनत्व नहीं था वास्तव में वृद्धि हुई ऐसा महसूस हुआ जैसे तलवारबाज एक ब्लैक होल था जो लगातार आसपास के मैना को निगल रहा था मन ईश्वर के क्षेत्र में सभी का मूल था खिलाड़ियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति कौशल और मंत्र सभी मन से निकटता से जुड़े हुए थे गॉड्स डोमेन के शिखर पर खिलाड़ियों के रूप में यांतियानक सिंह और यी लोफे ने खेल के यांत्रिकी विशेष रूप से मैना और एक खिलाड़ी के आभासी शरीर के बीच संबंध पर शोध करने में काफ़ी समय बिताया था खिलाड़ी लगातार अपने वातावरण से मन को अवशोषित करते थे और जैसे जैसे खिलाड़ियों का शरीर मजबूत होता गया वे और अधिक मन को अवशोषित करते गए यही कारण है कि कम या बिना मैना वाले क्षेत्रों को निषिद्ध भूमि माना जाता था पेयर तीन खिलाड़ी के रूप में अथर्व का मन अवशोषण आश्चर्यजनक था यदि टेयर दो खिलाड़ियों में बहने वाली मैना एक छोटी खाड़ी की तरह थी तो अथर्व में बहने वाली मैना एक उग्र नदी थी हर कोई यहां है गिड लीडर जब आप तैयार हों तो हम चल सकते हैं ब्लैकी ने उत्साहपूर्वक बताया उत्तरी किले की बदौलत जीरो विंग की कुल ताकत काफी बढ़ गई थी उत्तरी किले ने न केवल विशाल प्राचीन सोने का लाभ प्रदान किया बल्कि इसने खिलाड़ियों को एक जगह भी दी जहां वे तेजी से मजबूत हो सकते थे इस बिंदु तक जीरो विंग ने ग्रेविटी माउंटेन रेंज के उत्तरी क्षेत्र में कई प्राचीन खंडहरों की खोज की थी जिससे बहुत सारा कीमती खज़ाना हासिल हुआ था गिल्ड के मुख्य बल के सदस्य भी लेवल सत्तानवे और अट्ठानवे तक पहुंच गए थे और उन्होंने अपने अधिकांश उपकरणों को लेवल पचानवे डार्क गोल्ड इक्विपमेंट के साथ अपग्रेड कर लिया था हालांकि उनके युद्ध मानकों में उनके स्तर और उपकरणों की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से सुधार हुआ था कम से कम छब्बीस मुख्य बल सदस्य अब सत्य क्षेत्र में पहुंच चुके थे यान तियानक सिंह और यी लोफेई असेंशन क्षेत्र तक भी पहुंच गए थे इसके अलावा एल्यूरिंग समर साइलेंट ब्लेड शेडोसवोर्ड स्टबॉन बोन और झाओ यूएरू ने अनेल्डिंग सोल के विरासत प्रशिक्षण स्लॉट की बदौलत फ्लोइंग वाटर दायरे में प्रवेश किया था यह देखकर कि उसके साथियों में कितना सुधार हुआ अथर्व थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ उसने यह आशा नहीं की थी कि वे इतनी जल्दी इतने मजबूत हो जाएंगे अब जीरो विंग की मुख्य शक्ति संभवतः महाशक्तियों की मुख्य सेनाओं से थोड़ी ही कमजोर थी यदि फायर डांस और अन्य चार देवताओं के टॉवर में कुछ प्रगति कर सकते हैं तो जीरो विंग की मुख्य शक्ति विभिन्न महाशक्तियों की मुख्य जादुई प्रतिरोध 40 परसेंट बढ़ गया मन शरीर का प्रभाव 50 परसेंट बढ़ गया स्तर प्लस तीस पर ध्यान न दें सभी आइटम स्तर की आवश्यकताओं को दस स्तरों तक कम कर दिया गया अतिरिक्त निष्क्रिय कौशल विकटित शरीर टीयर तीन या उससे नीचे के हमलों से होने वाली क्षति को 70 परसेंट तक कम कर देता है टीयर चार या उससे ऊपर के हमलों से होने वाली क्षति को 40 परसेंट तक कम कर देता है सभी नियंत्रण प्रभावों के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है कठोर प्रभावों को 70 परसेंट तक कमजोर कर देता है और प्रतिक्रिया की गति को 20 परसेंट तक बढ़ा देता है अतिरिक्त सक्रिय कौशल एक विघटन क्षेत्र एक सौ यार्ड के दायरे में सभी कौशल और मंत्रों को विघटित कर देता है स्तर दो और उससे नीचे के कौशल और मंत्र निरस्त कर दिए जाएंगे जबकि स्तर दो से ऊपर के कौशल और मंत्र साठ परसेंट तक कमजोर हो जाएंगे सीमा के भीतर सभी संस्थाओं को मूल विशेषताओं शरीर और सहन शक्ति में चालीस परसेंट की कमी का सामना करना पड़ेगा इसके अलावा उनकी सहनशक्ति और एकाग्रता खपत दरों में चार की वृद्धि होगी ठंडा नहीं हो रहा अतिरिक्त सक्रिय कौशल दो विघटन शक्ति विघटन कवच की सभी शक्ति एकत्र करता है और 60 सेकंड के लिए उपयोगकर्ता को एक स्तर तक उन्नत करने के लिए अस्थायी रूप से इसके सभी गुणों का त्याग करता है कुलडाउन 12 घंटे समान प्रभाव वाले कौशलों और मंत्रों का संयोजन नहीं किया जा सकता विघटन कवच एक दिव्य कवच है जिसे अयस्क साम्राज्य के संस्थापक सम्राट ने विभिन्न दिव्य वस्तुओं से बनाया था यह कवच देवताओं के विरुद्ध युद्ध के दौरान नष्ट हो गया था सेलियोरा द्वारा रक्त अनुबंध का उपयोग करके छाती के टुकड़े को दोबारा बनाने के बाद विघटन कवच ने अपनी मूल ताकत का एक हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया है कवच की विघटन शक्ति के कारण सुसज्जित होने पर कवच की विशेषताओं में अस्सी की कमी आ जाती है यदि रक्त ठेकेदार द्वारा सुसज्जित किया जाता है तो कवच की विशेषताएं केवल पचास कम हो जाएंगी गॉड क्रिस्टल्स को विघटन कवच की पूरी तरह से मरम्मत करने की आवश्यकता है शून्य बटादस अद्भुत विघटन कवच के गुण पैनल को पढ़ते हुए अथर्व की आंखें चमक उठीं इससे पहले उन्हें इस बात का स्पष्ट अंदाज़ा नहीं था कि एक वास्तविक पौराणिक वस्तु की विशेषताएं कैसी दिखेंगी उन्होंने अपने पिछले जीवन के दौरान केवल पौराणिक वस्तुओं के बारे में सुना था उसने वास्तव में किसी वास्तविक पौराणिक वस्तु का गुण पैनल नहीं देखा था क्योंकि ऐसी वस्तु वाले किसी भी व्यक्ति ने इसकी क्षमताओं पर उचित रूप से रोक लगा रखी थी हालांकि विघटन कवच एक अधूरा उत्पाद था यह उपकरण का सबसे मजबूत टुकड़ा था जिस पर उसने कभी नजर रखी थी यहां तक कि जेंटल स्नोका फ़्रैगमेंटेड लेजेंडरी रैंक वाला सेवन ल्यूमिनरीज बैटल आर्मर भी इस चेस्ट पीस की तुलना में बहुत कमज़ोर था सेवन ल्यूमिनरीज बैटल आर्मर मूल रूप से एक पौराणिक वस्तु थी लेकिन महत्वपूर्ण क्षति के बाद इसकी रैंक गिर गई थी और फिर भी कवच का एक क्षतिग्रस्त टुकड़ा होने के बावजूद विघटन कवच सभी पहलुओं में सेवन ल्यूमिनरीज बैटल आर्मर से कहीं अधिक मजबूत था तथ्य यह है कि विघटन कवच ने साधारण रक्षा को बढ़ावा देने के बजाय दैवीय रक्षा प्रदान की विशेष रूप से आश्चर्यजनक था इसका मतलब यह था कि वास्तविक क्षति पहुंचाने वाले कौशल और मंत्र भी विघटन कवच पहनने वाले के खिलाफ उतने प्रभावी नहीं होंगे इससे निचले स्तर के खिलाड़ियों की क्षति भी कम हो जाएगी और उच्च स्तर के खिलाड़ी अपने स्तर के लाभ के कारण कोई अतिरिक्त नुकसान नहीं उठा पाएंगे ईश्वरीय रक्षा ईश्वर के क्षेत्र में सर्वोच्च श्रेणी की रक्षा थी यह अफसोस की बात है कि कवच इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है अगर मैं इसे सुसज्जित भी कर दूं तो भी मैं इसकी वास्तविक शक्ति का केवल एक अंश ही प्रदर्शित कर पाऊंगा अथर्व ने सोचा अगर मैं विघटन कवच की पूरी शक्ति प्रदर्शित कर सका तो आइस ड्रैगन से निपटना आसान हो जाएगा विघटन शक्ति की अस्थिरता ने कवच की वास्तविक ताकत को सीमित कर दिया कवच के चरम पर अथर्व संभवतः 100 परसेंट अतिरिक्त काया और 120 परसेंट ताकत के साथ मिथिक रैंक वाले आइस ड्रैगन को हरा सकता है फिर भी अथर्व बहुत खुश था कि वह अंत विघटन कवच से लैस हो सका पौराणिक उपकरण का एक टुकड़ा शीर्ष विशेषज्ञों सहित अनगिनत खिलाड़ियों ने ऐसी वस्तु को सुसज्जित करने का सपना देखा गॉड्स डोमेन में पौराणिक वस्तुएं बहुत दुर्लभ थीं केवल एक सुराग प्राप्त करने के लिए जिससे किसी को कुछ हासिल हो सके बड़ी मात्रा में जनशक्ति और संसाधनों की आवश्यकता होती है कुछ मामलों में ये सुराग केवल एक पौराणिक वस्तु के टुकड़े की ओर ले जाएंगे फिर खिलाड़ियों को बचे हुए टुकड़ों को ढूंढना होगा और इसकी मरम्मत के लिए और भी अधिक संसाधनों का निवेश करना होगा जब तक कोई व्यक्ति हास्यास्पद रूप से भाग्यशाली न हो या उसके पास विशेष रूप से शक्तिशाली समर्थन न हो उसके लिए एक पौराणिक वस्तु प्राप्त करना पूरी तरह से असंभव होगा अब अथर्व के पास अंत अपनी खुद की एक पौराणिक वस्तु थी और वह अब इसे सुसज्जित भी कर सकता था विघटन कवच की विशेषताएं आधी हो सकती हैं लेकिन यह अभी भी खंडित पौराणिक उपकरण के एक टुकड़े की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली था सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में भी सक्षम हो सकती है चलो ठीक है जाओ टीम में शामिल होते ही अथर्व ने सिर हिलाया वह सभी को टेलीपोर्टेशन एरे तक ले गया और कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के निकटतम सीमावर्ती शहर की यात्रा की इसके बाद उन्होंने टीम को बाकी रास्ते तक ले जाने के लिए सेवन ल्यूमिनरीज रिंग के स्पेटियल गेट का इस्तेमाल किया कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट एक स्तर एक सौ तटस्थ मानचित्र था साथ ही अन्य स्तर एक सौ से अधिक तटस्थ मानचित्रों के लिए एक जंक्शन भी था इस प्रकार यह सभ्यता से काफी दूर था स्टारमून किंगडम से कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट तक पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को एक दर्जन से अधिक बड़े मानचित्रों को पार करना होगा फ्लाइंग माउंट के बिना वहां पहुंचना विशेष रूप से परेशानी भरा था बेशक अथर्व के पास थंडर ईगल और सेवन ल्यूमिनरीज रिंग थी कई बार टेलीपोर्ट करने के बाद अथर्व और उनकी टीम अंततः उस गुफा के सामने पहुंचे जो कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की ओर जाती थी कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट का उद्देश्य कठोर वातावरण वाले अन्य स्तर एक सौ तटस्थ मानचित्रों के विपरीत खिलाड़ियों को टीयर दो से टीयर तीन में संक्रमण में मदद करना था यह न केवल खिलाड़ियों के लिए पीसने के लिए एक आरामदायक क्षेत्र था बल्कि यह बड़ी संख्या में प्राचीन जातियों का घर भी था जंगल भी एक प्राचीन सील के संरक्षण में था इसलिए खिलाड़ियों को मानचित्र का पता लगाने से पहले मानचित्र के संरक्षक बॉस को हराना होगा और सील को हटाना होगा फ्लाइंग माउंट के साथ भी उन कार्यों को पूरा किए बिना मानचित्र में प्रवेश करना असंभव था गिड लीडर मैं लोगों को देखता हूं माइनर वाइंड जो लंबे समय से रिफाइनमेंट क्षेत्र और सत्य क्षेत्र दोनों में पहुंच चुका था गुफा से पहले पहुंचते ही खिलाड़ियों के ट्रैक को तुरंत खोज लिया ऐसा लगता है कि उनमें से बहुत सारे हैं मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ये ट्रैक 200 लोगों की टीम के हैं क्या अन्य लोगों को यह स्थान पहले ही मिल चुका है अथर्व स्तब्ध रह गया हालांकि यह गुफा लेवल 100 के तटस्थ मानचित्र जितनी खतरनाक नहीं थी फिर भी भीतर के राक्षस लेवल सत्तानवे प्लस लॉर्ड्स और ग्रेट लॉर्ड्स थे कई ग्रैंड लॉर्ड्स गुफा के भीतर भी घूमते रहे यहां जीवित रहना कोई आसान काम नहीं था इसके अलावा गुफा विशेष रूप से अंधेरी थी जो खिलाड़ियों की पांच इंद्रियों को कुछ हद तक दबा देती थी वर्तमान विशेषज्ञों की एक सौ सदस्यीय टीम गुफा के अंदर दस मिनट से अधिक नहीं टिकेगी यहां तक कि महाशक्तियों की मुख्य शक्ति को भी इससे पार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा वहां बहुत सारे राक्षस थे खासकर इसलिए क्योंकि गुफ़ा को अभी भी काफ़ी हद तक अज्ञात होना चाहिए था गिज लीडर क्या हमें अंदर जाना चाहिए ब्लैकी ने पूछा वे गोपनीयता का स्तर बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे यदि उनका सामना अन्य खिलाड़ियों से होता तो उनके ऑपरेशन की खबर फैल जाती हालांकि वे केवल स्तर 100 के तटस्थ मानचित्र का पता लगाने के लिए जा रहे थे जिससे कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते थे कि अन्य शक्तियां उनके ऑपरेशन का लाभ उठाने की कोशिश नहीं करेंगी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है चलिए चलते हैं अथर्व ने सिर हिलाते हुए कहा भले ही अन्य शक्तियों को पता चला कि वे कोल्ड स्प्रिंग फ़ॉरेस्ट की खोज कर रहे थे वे ज़ीरो विन की टीम के लिए कोई समस्या पैदा नहीं कर सके अन्य खिलाड़ियों को गुफा के माध्यम से और जंगल में जाने की गारंटी भी नहीं दी गई थी ऑपरेशन का लाभ उठाना तो दूर की बात थी जिसके बाद कोला ये वुमेन और टर्टलडोव के साथ गुफा में प्रवेश किया मंद रोशनी वाली गुफा में दृश्यता कम थी यहां तक कि टीयर दो खिलाड़ी केवल 200 गज की दूरी तक ही देख सकते थे और गुफा की संकीर्ण भूल जैसी संरचना में कई दिशाओं से आने वाले हमलों से बचना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होगा सौभाग्य से जीरो विंग के मुख्य बल के सदस्यों ने असाधारण टॉवर में प्रशिक्षण लिया था इसलिए उन्होंने गुफा राक्षसों के घात का अपेक्षाकृत अच्छी तरह से मुकाबला किया कोला जैसे एमपी के आगे बढ़ने के कारण टीम को गुफा में तेजी से आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं हुई राक्षसों से निपटने के लिए उन्हें रुकने की जरूरत नहीं पड़ी गुफा में दो मंजिलें थीं और तीन घंटे के बाद अथर्व और उसके साथी आखिरकार दूसरी मंजिल पर पहुंच गए यहीं पर उन्हें गार्जियन बॉस भी मिला पहली मंजिल के विपरीत दूसरी मंजिल एक खुली घाटी थी यह इतना बड़ा था कि एक बड़ी टीम को युद्ध में अपनी सामान्य संरचनाओं के लिए जगह की आवश्यकता के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी इसके अलावा दूसरी मंजिल पहली की तुलना में अधिक चमकदार थी हालांकि बदले में खिलाड़ियों की इंद्रियों पर दमन बढ़ गया था दूसरी मंजिल पर पहुंचने के 30 मिनट से भी कम समय के बाद अथर्व और उनकी टीम ने विस्फोटों की आवाज़ सुनी और सुरंग के अंत में चमकदार रोशनी देखी सुरंग एक गुफा की ओर जाती थी जिसमें एक शहर था जीरो विंग के मुख्य बल को 200 लोगों की एक टीम मिली जो शहर की रक्षा करने वाले डेमोकिन सैनिकों और गार्डों को हटा रही थी जबकि धीरे धीरे वह शहर के केंद्र में एक प्राचीन विशालकाय स्थान के पास पहुंच रहा था 200 सदस्यीय टीम का प्रत्येक खिलाड़ी लेवल छियानवे या उससे ऊपर का था और उन सभी के माथे पर एक काला निशान था उन्होंने एक फीकी काली चमक भी बिखेरी यहां तक कि जब उन्होंने हाई लॉर्ड रैंक वाले डेमोकिन सोल्जर्स से आमने सामने लड़ाई की तब भी इन खिलाड़ियों को भारी फायदा हुआ यहां तक कि ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले डेमोन्टिन गार्ड भी इन खिलाड़ियों की बढ़त को एक पल से ज्यादा नहीं रोक सके जहां तक शहर के केंद्र में स्थित प्राचीन विशालकाय की बात है इसकी ऊंचाई एक दर्जन मीटर से अधिक थी और इसकी छह भुजाएं थीं प्रत्येक दैत्य के हाथ में एक गहरा काला भाला था और यह विनाश के प्राचीन देवता की तरह दिखाई दे रहा था डेमोनकिन सोल्जर डार्क क्रिएचर हाई लॉर्ड लेवल अट्ठानवे एचपी उन्चास शून्य 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 डेमोनकिन गार्ड डार्क क्रिएचर, ग्रेट लॉर्ड लेवल निन्यानवे एचपी अट्ठासी शून्य 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 अट्ठासी शून्य 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 परजेटरी जाइंट डार्क जाइंट मिथिक लेवल निन्यानवे एचपी चार सौ साठ शून्य 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 चार सौ साठ शून्य 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 गिल्ड लीडर वे शैडोलेस एम्पायर के सदस्यों की तरह दिखते हैं यह शैडो वर्ल्ड की एक साहसी टीम है ब्लैकी ने खिलाड़ियों को देखते ही उनकी पहचान पहचान ली छायाहीन साम्राज्य इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे दोनों यहां क्यों हैं छोटी सेना के नेतृत्व में एक परिचित पुरुष और महिला को देखकर अथर्व ने सोचा ब्लैकी की टिप्पणी ने उसे याद दिला दिया कि वास्तव में वे दोनों कौन थे शेडोलिस एम्पायर अपने पिछले जीवन के दौरान एक बहुत प्रसिद्ध महाशक्ति था समतल मार्ग खुलने से पहले ही इसने छाया जगत पर कब्जा कर लिया था शेडो वर्ल्ड में मौजूद उत्कृष्ट समतल संसाधनों और विशेष विरासतों के साथ शेडोलिस साम्राज्य मुख्य महाद्वीप पर पहुंचने के बाद आश्चर्यजनक रूप से फला फूला शेडोलिस एम्पायर के दो सदस्यों ने विशेष रूप से लेवल 100 से अधिक तटस्थ मानचित्रों में क्षेत्र के लिए एक प्रतियोगिता के दौरान ड्रैगन फिनिक्स पैवेलियन को एक नुकसानदेह स्थिति में मजबूर कर दिया था वे दोनों वही पुरुष और महिला थे जिन्होंने शेडोलिस एम्पायर की 200 सदस्यीय टीम का नेतृत्व किया था वे डार्क असैसिन वास्ट लॉक और शेडोलिस रेंजर नाइट रीडर थे गॉड्स डोमेन के मुख्य महाद्वीप में जाने से पहले ये दोनों खिलाड़ी डोमेन क्षेत्र साम्राज्य तक नहीं पहुंचे थे फिर भी डोमेन क्षेत्र विशेषज्ञ भी उनकी हत्या की क्षमताओं से भयभीत थे एक बार जब वे डोमेन दायरे में पहुंच गए तो वे अंधेरे में दानव राजाओं के समान हो गए थे वे दोनों ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की बहुत सारी हानियों के लिए जिम्मेदार थे यहां तक कि पवेलियन के एक क्षेत्र को चुराने तक भी इस बीच जीरो विंग के सदस्यों द्वारा शेडोलिस एम्पायर की टीम की खोज के तुरंत बाद शेडोलिस एम्पायर के सदस्यों ने भी उन पर ध्यान दिया कमांडर वे ज़ीरो विंग के सदस्य हैं क्या हमें उनसे छुटकारा पाना चाहिए लेवल छियानवे डार्क बर्स्कर ने जीरो विंग की मुख्य शक्ति पर नज़र डालते हुए गला काटने वाला इशारा करते हुए पूछा मैंने नहीं सोचा था कि ज़ीरो विंग इस जगह तक पहुंचेगी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हर किसी ने इस बात पर जोर क्यों दिया कि स्टारलिंक और विभिन्न महाशक्तियां गिर से निपट नहीं सकती नाइट रीडर ने हंसते हुए कहा नाइट रीडर चमकीले लाल बालों वाली एक दुबलिप्तली महिला थी उसने एपिक चेनमेल पहना था और एक प्राचीन लाल रंग का धनुष भी धारण किया था यह अफसोस की बात है कि गॉड्स डोमेन में उनका युग समाप्त हो गया है जीरो विंग यहां आकर बस अपना समय बर्बाद कर रहा है चूंकि शैडो वर्ल्ड में शीर्ष स्तरीय हथियारों और उपकरणों की कमी थी शेडोलिस एम्पायर के उपकरण मानकों में कमी थी जब वे पहली बार मुख्य महाद्वीप पर आए थे हालांकि उनके उपकरण मानकों में तेजी से गुणात्मक परिवर्तन आया था और शेडोलिस एम्पायर के सदस्यों ने मुख्य महाद्वीप के खिलाड़ियों के साथ पकड़ बना ली थी विरासतों स्तरों और युद्ध मानकों के मामले में अपने लाभ के साथ विशाल नींद वाली विभिन्न महाशक्तियां भी अब शेडोलिस्ट साम्राज्य का मुकाबला नहीं कर पाईं जहां तक मुख्य महाद्वीप की गैर महाशक्तियों का सवाल है वे शेडोलिस्ट साम्राज्य की ताकत के सामने पूरी तरह से असहाय थे जब उन्होंने नाइट रीडर की टिप्पणी सुनी तो टीम का नेतृत्व करने वाले गंजे युवक वास्ट लॉक ने सहमति में सिर हिलाया उन पर ध्यान न दें और पुर्गेटरी ज्वाइंट को मारने को प्राथमिकता दें एक बार जब उन्हें हमारी ताकत के बीच अंतर का एहसास हो जाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्या करना है वास्ट लॉक ने कहा जैसे ही वे पुर्गेटरी जायंट पर आगे बढ़े वह अपनी टीम की कमान संभालने के लिए लौट आए अथर्व और अन्य के अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए पुर्गेटरी जायंट की ओर अपनी प्रगति तेज कर दी ये लोग वास्तव में हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं जब यां तानक सिंह ने जीरो विंग के आगमन के प्रति शेडोलिस एम्पायर के सदस्यों की उदासीन प्रतिक्रिया देखी तो वह अपना सिर हिलाने और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका आमतौर पर जब खिलाड़ी मैदान में अन्य खिलाड़ियों के सामने आते हैं खासकर जब वे किसी बॉस पर हमला कर रहे होते हैं तो वे आने वाले खिलाड़ियों को एक अनुस्मारक या चेतावनी देते हैं हालांकि शेडोलिस एम्पायर के सदस्यों ने जीरो विन की टीम के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह हवा हो और संपर्क बनाने की कोशिश करने की जहमत भी नहीं उठाई ऐसी प्रतिक्रिया के लिए एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि शेडोलिस एम्पायर ने उन्हें कोई खतरा नहीं माना था और किसी भी तरह के ध्यान के योग्य नहीं था गिड लीडर क्या हम वास्तव में कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं ब्लैकी ने दूर स्थित पुरगेटरी ज्वाइंट को देखते हुए पूछा उन्हें शेडोलिस एम्पायर द्वारा उनके प्रति किए जा रहे व्यवहार की विशेष परवाह नहीं थी हालांकि चूंकि इस गुफा का संरक्षक बॉस कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की कुंजी के रूप में कार्य करता था तटस्थ मानचित्र में प्रवेश करने के बाद इसकी लूट से उन्हें कुछ मदद मिल सकती थी हम केवल कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की ओर यात्रा कर रहे हैं हमारे लिए रास्ता खोलने वाले किसी का होना अच्छी बात है अथर्व ने हंसते हुए कहा फिर उन्होंने सभी को पहले थोड़ा आराम करने का निर्देश दिया उसका बॉस को शेडोलेस एम्पायर से छीनने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था पुरगेटरी जॉइंट वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉस था इसे मारने के बाद खिलाड़ियों को न केवल कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट तक पहुंच प्राप्त होगी बल्कि उन्हें पर्गेटरी कोर नामक एक विशेष वस्तु भी प्राप्त होगी सक्रिय होने पर पुरगेटरी कोर 200 यार्ड त्रिज्या के साथ एक प्राकृतिक अवरोध पैदा करेगा जो खिलाड़ियों को लेवल 100 के तटस्थ मानचित्रों के अनुकूल होने में मदद करेगा बैरियर का प्रभाव आर्कटिक जल के समान था सिवाय इसके कि आर्कटिक जल केवल एक खिलाड़ी के लिए प्रभावी था जबकि पुरगेटरी कोर एक विशिष्ट क्षेत्र पर लागू होता था लेवल 100 से अधिक तटस्थ मानचित्रों में काम करने की चाह रखने वाली टियर दो टीमों के लिए पुरगेटरी कोर एक बहुत ही उपयोगी वस्तु थी पुरगेटरी ज्वाइंट को मारने से इन दोनों के अलावा कोई अन्य लाभ नहीं मिला इस बीच उसका लक्ष्य आइस ड्रैगन हीथवेट को मारना और कोल्ड स्प्रिंग कैनियन पर कब्जा करना था उनके लिए पुरगेटरी कोर का कोई मतलब नहीं था आखिरकार एक बार जब उसने कोल्ड स्प्रिंग कैनियन पर कब्जा कर लिया तो वह आर्कटिक जल को और अधिक आसानी से प्राप्त कर सकता था उस समय 100 लोगों की टीम की तो बात ही छोड़िए 1000 लोगों की टीम को भी मजबूत करना मुश्किल नहीं होगा मुझे लगता है आप सही हैं ब्लैकी ने सिर हिलाया क्योंकि उसे अथर्व की बातें उचित लगीं फिर वह जमीन पर बैठ गया और अपनी सहनशक्ति और एकाग्रता को ठीक करने लगा पुरगेटरी जॉइंट एक लेवल निन्यानवे मिथिक बॉस था इसके अलावा यह विशाल जाति का था इसकी लाइफ रेटिंग काफी ऊंची थी इसलिए इस पर छापा मारना आसान नहीं होगा चूंकि शेडोलिस एम्पायर उनके लिए छापा मारने को तैयार था वे इस अवसर का उपयोग कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के लिए अपनी ताकत बचाने के लिए कर सकते थे जबकि जीरो विंग के सदस्य दूर के स्थान पर आराम कर रहे थे शेडोलिस एम्पायर के सदस्य जो अब परगेटरी ज्वाइंट से केवल 500 गज की दूरी पर थे उन्होंने भी देखा कि जीरो विंग के सदस्य क्या कर रहे थे ऐसा लगता है कि ये लोग काफी होशियार हैं अगर उन्होंने बॉस को छीनने की कोशिश की होती तो मैं सुनिश्चित करता कि उन्हें अच्छी पिटाई मिले लेवल छियानवे डार्क बर्सकर ने जीरो विंग के सदस्यों को बैठकर आराम करते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहा मुझे संदेह है कि यही मामला है मुझे यकीन है कि वे पुर्गेटरी जायंट की शक्ति का परीक्षण करने के लिए हमारा उपयोग करना चाहते हैं ताकि बाद में उन्हें उस पर छापा मारने में आसानी हो नाइट रीडर ने कहा जब उसने अथर्व और अन्य लोगों की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान खिल गई यह अफसोस की बात है कि वे हमें बहुत अधिक हे दृष्टि से देख रहे हैं छायारहित साम्राज्य संपूर्ण छाया जगत का शासक था इसकी क्षमताएं मुख्य महाद्वीप की विभिन्न महाशक्तियों की कल्पना से कहीं अधिक थीं हालांकि शैडो वर्ल्ड केवल एक राज्य के आकार का था उच्च मानक अन्य दुनियाओं में से एक के रूप में इसमें ऐसे संसाधन थे जो कई महाशक्तियों को पसंद थे हालांकि शैडो वर्ल्ड पर कब्जा करने की महाशक्तियों की कई कोशिशों के बावजूद शैडोलेस एम्पायर हमेशा विजय हुआ ठीक है ध्यान केंद्रित करो बॉस ने हमें पहले ही भांप लिया था सब लोग तैयार हो जाओ वास्ट लॉक अचानक चिल्लाया जब उसने पुरगेटरी ज्वाइंट को अपनी आंखें खोलते देखा पुरगेटरी ज्वाइंट के जागने से तुरंत भटकते डेमोनकिन सैनिक और डेमोनकिन गार्ड घबरा गए जिस क्षण पुरगेटरी ज्वाइंट ने अपनी आंखें खोली उपस्थित सभी लोगों को अपने ऊपर एक भयानक आभा का प्रभाव महसूस हुआ यहां तक कि जीरो विंग के सदस्यों को भी जो कई हजार गज की दूरी पर बैठे थे अपनी आभा के आधार पर पुरगेटरी ज्वाइंट निश्चित रूप से सामान्य पौराणिक राक्षसों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था इसके अलावा गार्जियन बॉस के जागने पर पुरगेटरी जाइंट के पांच सौ गज़ के दायरे में जगह बदलनी शुरू हो गई जमीन पर बजरी बिखरने लगी जागने के बाद पुरगेटरी जाइंट तुरंत शेडोलिस एम्पायर के सदस्यों की ओर बढ़ा और उन पर अपने छह भाले फेंके भाले उस जगह को चीरते हुए चले गए जहां से वे गुजरे थे जैसे ही छह भाले शैडोलिस एम्पायर के सदस्यों तक पहुंचने वाले थे छह ढालधारी डार्क नाइट्स आगे बढ़े और युद्ध में भालों का सामना किया इन डार्क नाइट्स के शरीर एक चमकदार काली रोशनी बिखेर रहे थे जबकि उनके माथे पर काला निशान एक फीकी चमक बिखेर रहा था गहरा लाल रंग बूम 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 सिलसिलेवार धमाकों की गूंज पूरे शहर में गूंज उठी पुर्गेटरी ज्वाइंट का भाला प्राप्त करने के बाद छह डार्क नाइट्स में से प्रत्येक अपने शरीर को स्थिर करने से पहले केवल तीन या चार कदम पीछे हट गया उन्होंने अपने एचपी का केवल 25 परसेंट या इतना ही खोया जो कि रियर लाइन हीलर की बदौलत जल्दी ही पुनर्जीवित हो गया जब पुरगेटरी जॉइंट ने हमलों का दूसरा दौर शुरू किया तो छह डार्क नाइट्स को अभी भी अपना संतुलन हासिल करना बाकी था हालांकि इस समय पुरगेट जाइंट के भाले को रोकने के लिए शेडोलिस एम्पायर के क्षेत्र से छह और डार्क नाइट उभरे इस तरह एमटी की दोनों पार्टियों ने बारी बारी से पुरगेटरी जॉइंट के हमलों का सामना किया उनका समन्वय एकदम सही था अपने सही निष्पादन और समय के कारण बारह एमटी ने पुरगेटरी जॉइंट को टीम के बाकी सदस्यों को कोई नुकसान पहुंचाने से रोका शुरू करना वास्ट लॉक चिल्लाया वास्ट लॉक की आज्ञा सुनकर पिछली पंक्ति के कर्समैंसर्स ने तुरंत डार्क देवोर को हटा दिया अगले ही पल पुरगेटरी ज्वाइंट के पैरों के नीचे एक काला पोखर बन गया काला तरल लगातार जाइंट के ऊपर रेंग रहा था और उसे निगलने की धमकी दे रहा था हालांकि स्पेल ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण स्पीड डिबफ लागू किया इस स्थिति ने तुरंत टीम पर दबाव कम कर दिया इसके तुरंत बाद शेडोलिस एम्पायर के सदस्यों ने उन्माद में बॉस पर बमबारी शुरू कर दी हमले का नेतृत्व करते हुए नाइट रीडर ने अपना लाल धनुष खींचा और पुरगेटरी ज्वाइंट पर गोली चलाने वाला एक लाल रंग का प्रकाश स्तंभ भेजा माइनस तीन लाख इकतीस हजार पांच सौ चौंसठ केवल एक हमले के साथ नाइट रीडर ने पुरगेटरी ज्वाइंट की एक भुजा की गति को रोक दिया इस समय वास्ट लॉक ने भी पुरगेटरी जॉइंट की पीठ पर अपना रास्ता बना लिया था और मिथिक बॉस पर अपने दो गहरे काले चमकते खंजर घोंप दिए थे जैसे ही दो खंजरों ने पुरगेटरी जॉइंट की त्वचा को छुआ दो काली किरणें बॉस को भेद गईं प्रत्येक किरण से माइनस दो लाख से अधिक की क्षति हुई इन लोगों के मूल गुण उच्च होते हैं उनमें से प्रत्येक एक महान भगवान की तरह है यह उस हत्यारे और रेंजर के लिए विशेष रूप से सच है बुनियादी विशेषताओं के मामले में वे दोनों संभवतः समान स्तर के महान प्रभुओं से बेहतर हैं इसके अलावा ये लोग अपनी युद्ध तकनीकों को अपने कौशल और मंत्रों के साथ पूरी तरह से जोड़ सकते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे पुर्गेटरी ज्वाइंट को हराने में इतने आश्वस्त हैं यान तियानक सिंह ने शेडोलिस एम्पायर के सदस्यों को लड़ते हुए देखकर प्रशंसा की खेल के इस चरण में मुख्य महाद्वीप के अधिकांश विशेषज्ञ अभी भी कौशल और मंत्र के साथ युद्ध तकनीकों के संयोजन का प्रयोग कर रहे थे हालांकि शेडोलिस एम्पायर के सदस्यों ने पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली थी जिससे उनके टीयर दो कौशल और मंत्रों में गुणात्मक सुधार हुआ केवल तीस मिनट बाद पुरगेटरी जॉइंट अंत उन्मत्त हो गया शेडोलिस एम्पायर के सदस्यों ने प्रतिक्रिया में एक के बाद एक अपने निडर कौशल को सक्रिय करना शुरू कर दिया जब वास्ट लॉक और नाइट रीडर ने अपने निडर कौशल को सक्रिय किया यहां तक कि टूफोल्ड निडर को सक्रिय किए बिना उनके मूल गुण पहले से ही मिथक राक्षसों के मानक तक पहुंच गए परिणामस्वरूप वे पुर्गेटरी ज्वाइंट के निडर चरण को सहन करने में कामयाब रहे और अंत मिथिक बॉस को मार डाला पुरगेटरी जाइंट की मृत्यु के साथ कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की रक्षा करने वाली जादुई बाधा ढहने लगी कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की ओर जाने वाली गुफा पर लगी सील भी हटा दी गई इस बीच गुफा से परे अब बर्फ से ढका हुआ जंगल दिखाई दे रहा था पुर्गेटरी ज्वाइंट को मारने के बाद शेडोलिस एम्पायर के सदस्यों ने लंबे समय तक आराम नहीं किया जैसे ही उन्होंने बॉस की लूट को इकट्ठा करना समाप्त किया वे कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में चले गए जैसे ही वे चले गए उन्होंने हर्षित भावों के साथ दूर स्थित जीरो विन के सदस्यों पर नजर डाली हाँ 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 जीरो विंग के सदस्य हमें पुर्गेटरी जॉइंट को हराते हुए देखकर अवाक रह गए होंगे दो हाथों वाली कुल्हाड़ी ले जाने वाला डार्क बरसरकर हंसा नाइट रीडर ने बड़बड़ाते हुए कहा हालांकि हमें उन्हें हमारे बीच की ताकत का अंतर दिखाना था लेकिन अब वे बिना किसी प्रयास के कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में प्रवेश कर सकते हैं उन्हें कुछ लाभ प्राप्त करने देने में कुछ भी गलत नहीं है जीरो विंग स्टारमोन किंगड़म का नंबर एक गिल्ड है इसका प्रभाव कई राज्यों और साम्राज्यों तक भी पहुंचता है यदि हम मुख्य महाद्वीप में जल्दी से पैर जमाना चाहते हैं तो हम जीरो विंग की ताकत का उपयोग कर सकते हैं वास्ट लॉक ने कहा वास्ट लॉक के शब्दों के बाद शेडोलिस एम्पायर के सदस्यों ने अब कुछ नहीं कहा इसके बजाय उन्होंने केवल कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्र की यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया शेडोलिस एम्पायर के सदस्यों के जंगल में प्रवेश करने के लगभग पांच मिनट बाद एक गगनभेदी दहाड़ अचानक पूरे जंगल में गूंज उठी यह कैसे संभव है नाइट रेडर के चेहरे पर एक गंभीर रूप तब उभर आया जब पूरी तरह से हथियारों से लैस ड्रैगन किन का एक समूह अचानक बर्फीले जंगल से सामने आया हालांकि जिस चीज ने उसे सबसे अधिक चौंका दिया वह इन किन्स की संख्या और ताकत थी ड्रैगन किन फाइटर ड्रैगन किन भगवान स्तर एक सौ एचपी तिरसठ शून्य 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 तिरसठ शून्य 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 ड्रैगन किन कैप्टन ड्रैगन किन हाई लॉर्ड स्तर एक सौ एक पी एक सौ पैंतीस शून्य 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 एक सौ पैंतीस शून्य 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 ड्रैगन किन योद्धा ड्रैगन किन ग्रेट लॉर्ड स्तर एक सौ एक पी दो सौ बीस शून्य 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 दो सौ बीस शून्य 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 उनकी टीम के सामने खड़े अवर ड्रैगन की संख्या एक हज़ार से अधिक थी और यहां तक कि सबसे कमजोर ड्रैगन किन फाइटर की आभा भी ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले डेमोकिन गार्ड्स की तुलना में कमजोर नहीं थी जिनका उन्होंने पहले सामना किया था जहां तक ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले ड्रैगन किन योद्वाओं की बात है तो उनकी आभा पुरगेटरी ज्वाइंट की तुलना में थोड़ी कमजोर थी इसके अलावा उनमें से तीन थे रक्षात्मक संरचनाएं वास्ट लॉक चिल्लाया हालांकि जब वास्ट लॉक ने अपनी कमान दी तब तक ड्रैगन किन सेना पहले से ही उन पर हमला कर रही थी हालांकि शैडोलिस एम्पायर के सदस्य लॉर्ड रैंक वाले ड्रैगन किन फाइटर्स के खिलाफ मुश्किल से अपनी पकड़ बना सके लेकिन वे ड्रैगन किन कैप्टन के खिलाफ गंभीर नुकसान में थे जो मूल विशेषताओं और प्रतिक्रिया गति दोनों के मामले में हीन थे जब डार्क नाइट्स में से एक समय पर अपना बचाव करने में विफल रहा और ड्रैगन किन कैप्टन की कृपाण की चपेट में आ गया तो उसने तुरंत अपने एचपी का एक चौथाई हिस्सा खो दिया जहां तक ड्रैगन किन वॉरियर्स का सवाल है वास्ट लॉक और नाइट रीडर को केवल एक को पकड़ने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय करना था बाकी दोनों महानुभावों को रोकना उनके बस की बात नहीं थी पीछे हटना गुफ़ा की ओर लौट जाओ वास्ट लॉक चिल्लाया जब उसने देखा कि दो निरंकुश ड्रैगन किन योद्धा उसके साथियों को मार रहे थे अब पीछे हटना ही उनका एकमात्र विकल्प था अन्यथा टीम वाइप अपरिहार्य था जैसे जैसे शेडोलिस एम्पायर के सदस्य लगातार पीछे हटते गए अंततः उनकी मुलाकात जीरो विंग के सदस्यों से हुई जो कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में भी प्रवेश कर चुके थे तुम लोग जल्दी करो और पीछे हट जाओ ये ड्रैगन किन उस गुफा में लॉर्ड्स और ग्रेट लॉर्ड्स से कहीं अधिक मजबूत हैं यदि तुम उनके विरुद्ध जाओगे तो मर जाओगे वास्ट लॉक ने अथर्व की ओर देखते हुए चेतावनी दी हालांकि जैसे ही डार्क हत्यारी ने यह सलाह दी शेडोलिस एम्पायर के सदस्यों का वध करने वाले ड्रैगन किन योद्धाओं में से एक ने अपना ध्यान जीरो विन की टीम की ओर स्थानांतरित कर दिया जो उससे एक सौ गज से भी कम दूरी पर थी अपनी आंखें मुदकर वह तुरंत जीरो विन की ओर बढ़ गया वे बर्बाद हो गए हैं नाइट रेडर घटनाओं के इस अचानक मोड़ पर जीरो विंग के सदस्यों को दया से देखने से खुद को नहीं रोक सका ड्रैगन किन योद्धाओं के पास बहुत उच्च प्रतिक्रिया गति और बुद्धि थी इन ग्रेट लॉर्ड्स ने जीरो विंग के सदस्यों का तो जिक्र ही नहीं शेडोलिस एम्पायर के सदस्यों के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया हालांकि जैसे ही ड्रैगन किन योद्धा जीरो विंग की टीम के सामने आया और अपनी कृपाण नीचे घुमा रहा था अचानक उस पर तलवार की रोशनी पड़ी अचानक ड्रैगन किन वॉरियर ने घर घराहट की आवाज निकाली क्योंकि उसका चार मीटर लंबा शरीर एक गोली की तरह पीछे की ओर चला गया और पास के एक पेड़ से जोर से टकराया इस टक्कर से विशाल पेड़ कांप उठा मानो समय रुक गया हो पूरे कोल्ड स्प्रिंग वन में सन्नाटा छा गया चाहे वह ड्रैगन किन हो या शेडोलिस एम्पायर के सदस्य वे सभी अचंभे में थे जब उन्होंने ड्रैगन किन योद्धा को देखा जो बड़े पेड़ के सामने ढह गया था इस समय न केवल ड्रैगन किन योद्धा गंभीर रूप से घायल अवस्था में था बल्कि उसके चांदी के कवच में भी बड़ा कट लग गया था यदि कोई बारीकी से देखे तो वह इस कट के परे ड्रैगन किन योद्धा की सफ़ेद टूटी हुई हड्डियां भी देख सकता था यदि गॉड्स डोमेन की सेटिंग ने इसे ऐसा नहीं बनाया होता कि प्राणी केवल तभी मरेंगे जब उनका एचपी शून्य हो जाएगा तो पहले से स्लैश ने निस्संदेह ड्रैगन किन योद्धा की जान ले ली होती फिर भी हमले ने ड्रैगन किन वॉरियर के एचपी का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया उसने क्या किया अथर्व को घूर कर देखा जिसने ड्रैगन किन योद्धा पर हमले को अंजाम दिया था इससे पहले जब उसने ड्रैगन किन वॉरियर पर हमला करने के लिए अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया था तो वह उसे केवल एक कदम पीछे धकेलने में सफल रही थी दूसरी ओर अथर्व ने अपनी तलवार के एक वार से ड्रैगन किन योद्धा को गंभीर रूप से घायल कर दिया एक पल के लिए उसे आश्चर्य हुआ कि क्या मुख्य ईश्वर प्रणाली उसके साथ मजाक कर रही है आखिरकार वह वर्तमान में लेवल सत्तानवे पर थी वह एपिक उपकरण के चार टुकड़ों और एक शीर्ष स्तरीय एपिक हथियार से भी सुसज्जित थी इसके अलावा उसके पास एक विशेष विरासत थी जिसने अंधेरे में लड़ते समय उसके मूल गुणों और शरीर को महत्वपूर्ण अंतर से बढ़ा दिया यहां तक कि जब बुनियादी विशेषताओं की बात आती है तो सुपर गिल्ड के शीर्ष विशेषज्ञ भी संभवत उसके मुकाबले में नहीं थे अब तथापि अथर्व जो बहुत साधारण दिखता था और किसी भी तरह की आभा नहीं देता था वास्तव में उसकी ताकत कई डिग्री से अधिक थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इस स्थिति को कैसे देखा वह इसे स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी वह संभवतः जीरो विन के गिड लीडर ब्लैक फ्लेम हैं अफवाहों के अनुसार वह पहले ही 100 के स्तर तक पहुंच चुका है वास्ट लॉक ने अनुमान लगाया जब उसने अथर्व को देखा जीरो विंग का उसका मूल्यांकन एक ग्रेड से बढ़ रहा था यहां तक कि अगर वह 100 के स्तर का है तो भी उसके पास ड्रैगन किन योद्धा को उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है हम ऐसा नहीं कर सकते भले ही हमने अपने निडर कौशल को सक्रिय कर दिया हो नाइट रीडर ने कहा हालांकि ड्रैगन किन योद्धा केवल एक महान भगवान था उसकी ताकत पौराणिक रैंक वाले पुर्गेट्री ज्वाइंट्स से थोड़ी ही कम थी भले ही उन्होंने निडर कौशल को सक्रिय कर दिया हो वे अधिक से अधिक ड्रैगन किन योद्वा से मेल खाएंगे इसे बीस गज से अधिक उड़ान भरने के लिए उन्हें कम से कम पौराणिक राक्षसों के मानक पर ताकत की आवश्यकता होगी वास्ट लॉक ने निश्चित स्वर में कहा बेशक केवल लेवल एक सौ तक पहुंचना असंभव है हालांकि मुझे संदेह है कि उसने अपना टियर तीन प्रमोशन क्वेस्ट पहले ही पूरा कर लिया है तीन टियर वह कैसे संभव है नाइट रीडर वास्ट लॉक की अटकलों पर यकीन नहीं कर पा रही थी अथर्व के एक सौ के स्तर तक पहुंचने की अफवाह को जंगली अतिशोक्ति मानती थी शैडो वर्ल्ड के पास मुख्य महाद्वीप की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर लेवलिंग संसाधन थे फिर भी वे शैडोलिस एम्पायर के शीर्ष खिलाड़ी केवल लेवल सत्तानवे तक ही पहुंचने में कामयाब रहे थे अब हालांकि वास्ट लॉक उसे बता रहा था कि अथर्व न केवल लेवल तक पहुंच गया था एक सौ लेकिन उन्होंने अपना टेयर तीन प्रमोशन क्वेस्ट भी पूरा किया यह अविश्वसनीय था प्रोमोशन क्वेस्ट की कठिनाई प्रत्येक अगले स्तर के साथ बढ़ती गई टीयर तीन प्रमोशन क्वेस्ट की कठिनाई विशेष रूप से अधिक थी टियर तीन प्रमोशन क्वेस्ट को पूरा करने के लिए खिलाड़ियों को न केवल पर्याप्त उच्च स्तर का होना होगा बल्कि तैयारी करने में भी काफी समय लगाना होगा नाइट रीडर के लिए भले ही उसने अपनी ओर से सभी तैयारियां कर ली हों फिर भी वह अपनी टीयर तीन प्रमोशन क्वेस्ट को पूरा करने के लिए आश्वस्त नहीं होगी आखिरकार उनकी क्षमता के विशेषज्ञ अपने टीयर तीन प्रमोशन क्वेस्ट में औसत परिणाम के लिए समझौता नहीं कर सके कहने की जरूरत नहीं है कि अथर्व जैसा व्यक्ति भी इसके लिए तैयार नहीं होगा जब नाइट रीडर और वास्ट लॉक अथर्व के बारे में बात कर रहे थे तब भारी रूप से घायल ड्रैगन किन योद्वा अचानक उठ खड़ा हुआ और उसने एक गगनभेदी दहाड़ लगाई जो पूरे जंगल में गूंज गई इसके अलावा ड्रैगन किन योद्वा केवल एक दहाड़ पर नहीं रुका इसके बजाय वह बार बार दहाड़ता रहा क्या सिर में बहुत जोर से चोट लगी नाइट रीडर को ड्रैगन किन योद्धा की लगातार दहाड़ अजीब लगी इसके अलावा घायल ड्रैगन किन वॉरियर अजीब व्यवहार करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था सेना में अन्य सभी ड्रैगन किन भी दहाड़ने लगे नहीं जैसे ही वास्ट लॉक को यह एहसास हुआ उसका रंग गहरा हो गया वे सुदृढ़ीकरण की मांग कर रहे हैं जैसे ही वास्ट लॉक ने बोलना समाप्त किया जंगल की गहराई से एक गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी जिसके बाद दूर के जंगल में हंगामा मच गया और बहुत तेजी से ड्रैगनकिन का एक बड़ा झुंड वहां से निकल आया नए आए ड्रैगनकिन की संख्या तीन हजार से अधिक थी जिनमें पांच ड्रैगनकिन योद्धा भी शामिल थे दौड़ना वास्ट लॉक चिल्लाया यह दृश्य देखकर उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई वास्ट लॉक के आदेश पर शेडोलिस एम्पायर के सदस्यों ने तुरंत वह काम छोड़ दिया जो वे कर रहे थे और बिना किसी हिचकिचाहट के उस गुफा की ओर भाग गए जहां से वे आए थे हालांकि शेडोलिस एम्पायर के सदस्यों को पीछे हटते देखने के बावजूद अथर्व और अन्य ने अभी भी अपनी स्थिति बनाए रखी तुम लोग अभी तक दौड़ क्यों नहीं रहे हो नाइट रीडर ने अथर्व की ओर देखते हुए पूछा हम उन्हें रोक देंगे इसलिए आप लोगों को पीछे हटने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहिए अथर्व ने जीरो विन के सदस्यों के साथ ड्रैगनकिन सेना की ओर चलने से पहले कहा आप सभी के लिए यहां आना अभी भी जल्दबाज़ी होगी चूंकि वास्ट लॉक ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी इसलिए स्वाभाविक रूप से अथर्व को शेड्योलेस एम्पायर की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी तुम पागल हो आप जो चाहे करें नाइट रीडर ने जब जीरो विन को ड्रैगनकिन सेना की ओर बढ़ते देखा तो वह क्रोधित हो गई फिर उसने अपना सिर घुमा लिया और चली गई अथर्व भले ही टियर तीन तक पहुंच गया हो लेकिन वह केवल एक ही व्यक्ति था वह अकेले कई हजार ड्रैगन किन्स को रोक नहीं पाएगा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है अब पांच और ड्रैगन किन योद्धा लड़ाई में शामिल हो गए थे भले ही तलवारबाज इन महान प्रभुओं को दबा सकता है क्या वह उन सभी आठों को दबा सकता है हालांकि नाइट रीडर अपनी पिछली स्थिति से एक सौ गज दूर जाने से पहले उसने जीरो विंग की टीम को ड्रैगन किन सेना के साथ संघर्ष करते देखा जब दोनों पक्ष संपर्क में आए तो अथर्व ने वॉयड स्लैश को अंजाम देकर लड़ाई शुरू की अपने कौशल से उत्पन्न छह स्लैश का उपयोग करके छह ड्रैगनकिन योद्धाओं को वापस भेजा और उनके पीछे ड्रैगनकिन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया शेष दो ड्रैगनकिन योद्धाओं के लिए कोला ने उनमें से एक को रोक दिया जबकि टर्टल तर्टलडोव ने दूसरे को रोक दिया कोला की ताकत की तुलना ड्रैगन किन योद्धा से नहीं की जा सकती है लेकिन फ्रैगमेंटेड लेजेंडरी रैंक वाले टाइटेन गार्ड और उसकी ड्रैगन स्लेयर लिगेसी के साथ उसने बिना किसी असफलता के ड्रैगन किन योद्धा के सभी हमलों को बेअसर कर दिया जहां तक टर्टल डोव का सवाल है हालांकि वह रक्षा और ताकत दोनों के मामले में कोला से कमतर थी लेकिन उसकी ओर से यान तियानक सिंह उसकी सहायता कर रही थी यान तियानक सिंह ने ड्रैगन किन योद्धा के हमलों को इस तरह प्रभावित किया कि वे सभी टर्टल डोव की ढाल पर उतरे और कहीं नहीं यह देखने के बाद कि सभी आठ ड्रैगन किन योद्वाओं को रोक दिया गया है एल्यूरिंग समर यी लोफेई झाओ युएरू और अन्य जादुई श्रेणी के खिलाड़ियों ने ड्रैगन किन कैप्टन और ड्रैगन किन फाइटर्स पर बमबारी शुरू कर दी एक मोबाइल बुर्ज की तरह झाओ यूएरू ने अपने मंत्रों से हाई लॉर्ड रैंक वाले ड्रैगनकिन कैप्टन को भी उड़ा दिया केवल एक एओई स्पेल के साथ उसने ड्रैगनकिन सेना के बीच एक बड़ा समाशोधन बनाया यहां तक कि ड्रैगनकिन योद्धा भी उसके हमलों से लड़खड़ा गए गंभीर संख्यात्मक नुकसान के बावजूद जीरो विंग की एक सौ सदस्यीय टीम ने बिना किसी हताहत के ड्रैगनकिन सेना का मुकाबला किया और ड्रैगनकिन सेना को पूरी तरह से दबाते हुए कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में लगातार गहराई से दबाया जीरो विंग की बम्बारी के तहत ड्रैगन किंग फाइटर्स और ड्रैगन किंग कैप्टन एक के बाद एक जल्दी ही मर गए बकवास क्या वे भी इंसान हैं कुल्हाड़ी ले जाने वाला डार्क बर्सकर जो पहले ही गुफा में वापस आ चुका था उसने ड्रैगन किन सेना को खदेड़ते हुए देखकर जोर से शाप दिया उसे केवल एक ड्रैगन किन कैप्टन से निपटने में कठिन समय का सामना करना पड़ा था फिर भी जीरो विंग के सदस्य हाई लॉर्ड्स के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे थे जैसे कि वे बच्चे हों झाउ यूएरू एल्यूरिंग समर और विशेष रूप से ई लोफेई ने अपने हमलों से कई दर्जन ड्रैगन किन कैप्टनों को तबाह कर दिया था जिससे हाई लॉर्ड्स को जीरो विंग की पिछली लाइन तक पहुंचने से रोक दिया गया था अथर्व और भी अधिक भयावह था उसने अकेले ही छह ड्रैगन किन योद्धाओं को कुचल दिया था तलवारबाज को नुकसान पहुंचाना तो दूर छह ड्रैगन किन योद्धा उसके पांच गज के दायरे तक भी नहीं पहुंच सके उनके एचपी भी कम हो गए थोड़े ही समय के बाद छह ड्रैगन किन योद्धा पहले ही अपने एचपी का दसवां हिस्सा खो चुके थे इस दर पर सभी छह की मृत्यु केवल समय की बात थी जीरो विंग इतना मजबूत कैसे है जीरो विंग की टीम के बर्फ से ढके जंगल में गायब हो जाने के बाद नाइट रीडर काफी समय तक सदमे में था जब उसे याद आया कि कैसे उन्होंने पुरगेटरी जायंट को हराकर जीरो विंग पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के बारे में सोचा था तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी खासतौर पर अथर्व के प्रदर्शन ने उन्हें चौंका दिया था उसकी हर हरकत उसकी समझ से परे थी यदि उसने उसी समय पुर्गेटरी जाइंट के लिए चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया होता तो परिणाम गंभीर होते सबसे अधिक संभावना है वह अकेले ही उनकी पूरी 200 सदस्यीय टीम को नष्ट कर सकता है चलो अब वापस लौटते हैं जीरो विंग जितना हमने शुरू में सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत है उच्च अधिकारियों को स्टार मून किंगडम के प्रति हमारे दृष्टिकोण को समायोजित करने की आवश्यकता होगी वास्ट लॉक ने मामले पर कुछ विचार करने के बाद कहा अथर्व की ताकत बहुत डरावनी थी वह अब ऐसा अस्तित्व नहीं रह गया था जिसके साथ टीयर दो खिलाड़ी मुकाबला करने की उम्मीद कर सकते थे इसके अलावा जीरो विंग के अन्य सदस्यों के पास भी काफ़ी ताक़त थी गिल्ड निश्चित रूप से सामान्य प्रमुख शक्तियों की तुलना में बहुत अधिक मज़बूत होने के कारण शेडोलिस एम्पायर को अब से स्टारमोन किंगडम में सावधानी से चलना होगा इतना कहने के बाद वास्ट लॉक घूमा और सभी को कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट छोड़ने के लिए तैयार किया जहां तक नाइट रीडर की बात है वह अनायास ही आख़िरी बार उस दिशा की ओर देखने लगी जिस दिशा में अथर्व गायब हो गया था तो क्या हुआ यदि आप टियर तीन हैं थोड़ा इंतजार करिए मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा उस समय मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं मैं तुम्हें मेरी ओर नीची दृष्टि से देखने पर पछतावा करवाऊंगा जब नाइट रीडर ने उन शब्दों के बारे में सोचा जो अथर्व ने उससे पहले कहा था तो उसने गुस्से और हताशा में अपने दांत पीस लिए उसे लगा जैसे उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार किया गया हो इसके तुरंत बाद वह घूमी और कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट से बाहर चली गई जीरो विंग के सदस्य धीरे धीरे कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में गहराई तक आगे बढ़े चूंकि मानचित्र को खिलाड़ियों द्वारा पहले कभी नहीं खोजा गया था इसलिए उनकी यात्रा के दौरान ड्रैगन किन जीरो विंग के सदस्यों की संख्या बढ़ती रही सौभाग्य से उन्हें जितनी संख्या में ड्रैगन किन योद्धा मिले उतनी संख्या में नहीं मिले इसलिए दुश्मनों की बढ़ती संख्या ने टीम पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाला इसने टीम को और भी अधिक ई e एक्स प्रदान किया स्तर एक सौ राक्षसों द्वारा प्रदान किया गया ई एक्स स्तर निन्यानवे राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक था हालांकि अथर्व ने पहले जीरो विन की मुख्य सेना को लेवल एक सौ निषिद्ध भूमि पर पीसने के लिए लाया था लेकिन सभी का स्तर बहुत कम था चूंकि उस समय अधिकांश लड़ाई के लिए उन्हें टीयर तीन राक्षसों पर निर्भर रहना पड़ता था इसलिए उनकी पीसने की क्षमता काफी कम थी अब जब टीम में हर किसी के पास लेवल एक सौ लॉर्ड्स के खिलाफ लड़ने की युद्ध शक्ति थी तो उन्होंने लेवल एक सौ प्लस ड्रैगनकिन का छोटा काम किया परिणामस्वरूप हर किसी का अनुभव स्तर बहुत तेजी से बढ़ा केवल छह घंटे तक पीसने के बाद टीम के सभी लोग पहले ही एक बार ऊपर आ चुके थे अब जीरो विंग के मुख्य बल में सबसे निचले स्तर का खिलाड़ी भी लेवल अट्ठानवे पर था जबकि यांतियानक सिंह जैसे गिल्ड के शीर्ष विशेषज्ञ लेवल निन्यानवे पर पहुंच गए थे जहां तक अथर्व का सवाल है उन्होंने भी अपना अंतिम प्रतिशत हासिल कर लिया था और लेवल एक, एक पर पहुंच गए थे हालांकि टीम की बराबरी की गति के विपरीत ड्रैगनकिन की लूट ने सभी को अवाक कर दिया यहां तक कि हाई लॉर्ड रैंक वाले ड्रैगनकिन कैप्टन द्वारा गिराया गया सबसे अच्छा उपकरण लेवल 100 सौ मिस्टीरियस आयरन रैंक था इसके अलावा यह इन ड्रैगन किन कैप्टनों की पहली हत्या थी अन्यथा उनके द्वारा गिराए गए हथियार और उपकरण केवल कांस्य रैंक के होंगे ड्रैगन किन कैप्टन की लूट की गुणवत्ता लेवल निन्यानवे हाई लॉर्ड्स की तुलना में बहुत हीन थी हालांकि अथर्व को यह स्थिति आश्चर्यजनक नहीं लगी लेवल 100 पर पहुंचने के बाद सामान्य विशेषज्ञ केवल लेवल 100 सौ मिस्टीरियस आयरन इक्विपमेंट में ही खुद को तैयार कर पाएंगे यदि वे राक्षसों को मारकर लेवल 100 सीक्रेट सिल्वर उपकरण प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें एक पर्याप्त मजबूत टीम के समर्थन की आवश्यकता थी जहां तक मॉन्स्टर ग्रॉप्स से लेवल 100 सौ फाइन गोल्ड हथियार और उपकरण प्राप्त करने की बात है तो यह उनके लिए बिल्कुल असंभव था केवल टेयर तीन विशेषज्ञों के पास ही लेवल एक सौ फाइन गोल्ड हथियार और उपकरण पीसने की क्षमता होगी जहां तक डार्क गोल्ड हथियारों और उपकरणों की बात है खिलाड़ियों को शानदार ताकत और भाग्य दोनों की आवश्यकता होगी यही कारण था कि फ्रंटलाइन खिलाड़ियों के स्तर 100 पर पहुंचने के बाद गॉड्स डोमेन की विभिन्न शक्तियां टीयर तीन विशेषज्ञों और मास्टर लाइफस्टाइल खिलाड़ियों में बेथाशा निवेश करना शुरू कर देती थीं पिछला स्तर 100 मात्रा अब कोई मायने नहीं रखती इसके बजाय जो चीज सबसे अधिक मायने रखती थी वह थी गुणवत्ता कोई कह सकता है कि टीयर तीन विशेषज्ञ और मास्टर लाइफ खिलाड़ी विभिन्न शक्तियों की सच्ची नींद थे तीन विशेषज्ञों और मास्टर लाइफ खिलाड़ियों के बिना फाइन गोल्ड रैंक या उससे बेहतर स्तर के एक सौ से अधिक हथियार और उपकरण पहुंच योग्य नहीं होंगे इस बीच यदि किसी गेड के पास शीर्ष स्तरीय एक सौ स्तर के हथियार और उपकरण नहीं थे तो उसे कैसे विकसित किया जाना चाहिए था स्तर एक सौ से अधिक राक्षस आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थे खासकर खिलाड़ियों के स्तर एक तक पहुंचने के बाद स्तर 105 तक पहुंचने से पहले खिलाड़ी अभी भी एक स्तर से नीचे के राक्षसों और मालिकों से लड़ने के लिए डार्क बोल्ड हथियारों और उपकरणों पर भरोसा कर सकते थे जो स्तर 105 से नीचे थे हालांकि यह अब स्तर 105 पर संभव नहीं होगा पिछले स्तर 100 में राक्षसों को हर पांच स्तरों पर ताकत में एक महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त होगा शीर्ष स्तरीय हथियारों और संबंधित स्तर के उपकरणों के बिना टियर दो खिलाड़ी समान स्तर के राक्षसों और मालिकों से बिल्कुल भी मुकाबला करने में सक्षम नहीं होंगे केवल टियर तीन खिलाड़ी ही ऐसा कर पाएंगे हालांकि स्तर 100 पर पहुंचते ही टीयर तीन में पदोन्नत होने में सक्षम खिलाड़ी बेहद दुर्लभ थे इसके अलावा हालांकि टियर दो खिलाड़ियों के लिए अपने टीयर तीन प्रमोशन क्वेस्ट को पूरा करना आसान हो सकता है क्योंकि उनका स्तर बढ़ गया है फिर भी उन्हें सफल होने के लिए शीर्ष स्तरीय हथियारों और उपकरणों की सहायता की आवश्यकता होगी गिल्ड लीडर मुझे एक ऐसा चर्मपत्र मिला जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता ड्रैगन किन योद्वा द्वारा गिराए गए चर्मपत्र को उठाने के बाद ब्लैकी ने उत्साह से कहा फिर उसने इसे अथर्व को सौंप दिया जिससे वह आशा से भर गया उनका मूल्यांकन पहले ही उन्नत मानक तक पहुंच चुका था और मास्टर मानक से केवल एक कदम दूर था एक वस्तु जिसका वह मूल्यांकन नहीं कर सका वह निश्चित रूप से सामान्य नहीं थी एक चर्मपत्र जब अथर्व ने चर्मपत्र का मूल्यांकन करने के लिए सर्वज्ञ आंखों का उपयोग किया तो वह आश्चर्य और खुशी से भर गया इतना खराब भी नहीं यह एक जादुई जाल डिजाइन है एक जाल डिजाइन हालांकि जब ब्लैकी ने अथर्व की बातें सुनी तो वह निराश हो गया कैसे अशुभ है मुझे लगा कि हमें किसी हथियार या उपकरण का डिजाइन मिल गया है गॉड्स डोमेन में जाल आम थे कुछ खिलाड़ी फील्ड बॉस से निपटने के लिए जाल का भी उपयोग करते हैं हालांकि जादुई सरणियों की तुलना में जाल बहुत ही घटिया थे कुछ जाल ग्रेट लॉर्ड रैंक या उससे ऊपर के राक्षसों के खिलाफ भी अप्रभावी थे हालांकि केयर दो खिलाड़ी लॉर्ड रैंक वाले राक्षसों से आसानी से निपट सकते थे भगवान से निपटने के लिए जाल बिछाना समय और सामग्री की बर्बादी होगी यह तो बहुत अच्छी बात है अथर्व ने हंसते हुए कहा किसी भी स्थिति में हर किसी को इस पर नजर रखनी चाहिए यदि और बूदे हों तो मेरे पास ले आओ इसके अलावा मेलांचोलिक के पक्ष से इस जाल को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने को कहें जितना संभव हो उतनी तैयारी करें सबसे अधिक संभावना है गॉड्स डोमेन का प्रत्येक खिलाड़ी पहले भी ट्रैप के हाथों पीड़ित हो चुका है वास्तव में कई विशेषज्ञों को जाल में फंसाकर मार डाला गया था हालांकि चूंकि खिलाड़ी राक्षसों के खिलाफ जाल का ठीक से उपयोग नहीं कर सके इसलिए जाल को खिलाड़ियों के बीच कभी भी अधिक लोकप्रियता नहीं मिली हालांकि गॉड्स डोमेन में खंडहरों की खोज करते समय जाल की लगभग गारंटी थी तो वे बेकार कैसे हो सकते हैं ट्रैप के बेकार होने के बारे में सभी की गलतफहमी का कारण केवल वर्तमान खिलाड़ियों का बेसिक ट्रैप के उपयोग और उत्पादन तक ही सीमित होना था बेसिक ट्रैप के लिए सामग्री और उत्पादन विधि सामान्य और सरल थी इसलिए यह स्वाभाविक था कि राक्षसों के खिलाफ उनका प्रभाव बहुत कम था जहां तक इस बात का सवाल है कि खिलाड़ी अभी केवल बेसिक ट्रैप ही बनाने में सक्षम थे ऐसा इसलिए था क्योंकि मैन गॉड सिस्टम का उद्देश्य था कि खिलाड़ी धीरे धीरे लेवल एक सौ तक पहुंचने से पहले ट्रैप के बारे में सीख सकें हालांकि स्तर एक सौ तक पहुंचने के बाद मैन गॉड सिस्टम खिलाड़ियों पर से सभी प्रतिबंध हटा देखा स्वाभाविक रूप से इसमें जाल पर सीमा शामिल थी और खिलाड़ी इंटरमीडिएट जाल बनाने में सक्षम होंगे इंटरमीडिएट ट्रैप में न केवल बहुत दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा बल्कि उनके उत्पादन की कठिनाई भी काफ़ी बढ़ जाएगी हालांकि बदले में राक्षसों के विरुद्ध उनकी प्रभावशीलता में काफ़ी सुधार होगा लेवल 100 सौ लॉर्ड्स से निपटना तो दूर इंटरमीडिएट ट्रैप लेवल 100 सौ ग्रेट लॉर्ड्स को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन्हें थोड़े समय के लिए भारी घायल अवस्था में रख सकते हैं इसके अलावा आम जनता के लिए कीमती जादुई श्रृंखलाओं की तुलना में जाल अधिक उपयुक्त थे क्योंकि उनका उत्पादन बहुत कम महंगा था अथर्व के पिछले जीवन के दौरान कई टीयर दो विशेषज्ञों ने उच्च रैंकिंग मालिकों का शिकार करने और राक्षसों को कुचलने के लिए इंटरमीडिएट ट्रैप पर भरोसा किया था यदि ये जाल नहीं होते तो टियर दो के अधिकांश खिलाड़ी लेवल एक सौ से अधिक तटस्थ मानचित्रों में बिल्कुल भी जीवित नहीं रह पाते इस बीच ड्रैगन किन वॉरियर ने जो डिज़ाइन छोड़ा वह काउंटर करंट स्वैंप के लिए था एक जादुई जाल जो लेवल एक से नीचे के राक्षसों के खिलाफ प्रभावी था जब ट्रिगर किया जाता है तो यह न केवल राक्षसों को एक संक्षिप्त अवधि के लिए स्थिर कर देगा बल्कि प्रतिक्रिया की गति और बुनियादी विशेषताओं को भी कम कर देगा राक्षसों को पंद्रह परसेंट तक फंसाया गया नेदेह राक्षस जितना अधिक शक्तिशाली होगा जाल उनके विरुद्ध उतना ही कम प्रभावी होगा फिर भी लेवल एक से नीचे ग्रेट लॉर्ड्स के खिलाफ काउंटर करंट स्वैंप बहुत उपयोगी था पिछले स्तर एक में यहां तक कि ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले राक्षसों को भी बॉस माना जाता था यदि सामान्य स्तर के तीन विशेषज्ञों का सामना उसी स्तर के महान भगवान से हो जाए तो उन्हें भागना होगा बॉस को अकेला करना असंभव होगा हालांकि मैजिक ट्रैप के साथ टियर दो के खिलाड़ी भी लेवल 100 ग्रेट लॉर्ड्स को मार सकते थे जब तक कि उनके पास पर्याप्त बड़ी टीम थी ठीक है मैं दूसरों को इसके बारे में सूचित करूंगा ब्लैकी ने सिर हिलाते हुए कहा फिर भी उसे अभी भी जादुई जाल में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी आखिरकार उन्हें विश्वास नहीं था कि काउंटर करंट स्वैम्प के प्रभावों की तुलना किसी जादुई सरणी से की जा सकती है जिसके बाद अथर्व ने अपनी टीम से उन ड्रैगन किन सेनाओं को मार डाला जिनसे उनका सामना हुआ था वह कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के मध्य क्षेत्र में नहीं गया एक दिन की लगातार पीसने के बाद अथर्व को अन्य चार ट्रैप डिजाइन प्राप्त हुए दो काउंटर करंट स्वैम्प के लिए थे जबकि अन्य दो बर्निंग फायर नामक फिजिकल ट्रैप के लिए थे फिजिकल ट्रैप में मैजिक ट्रैप की तुलना में कई अधिक कमजोरियां थीं उदाहरण के लिए उड़ने वाले राक्षसों के सामने वे बिल्कुल बेकार थे हालांकि फिजिकल ट्रैप के भी बहुत स्पष्ट लाभ थे उदाहरण के लिए उनका उपयोग राक्षसों के एक समूह को लक्षित करने के लिए किया जा सकता है इसके अलावा वे लगातार बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते हैं जब तक कि कोई राक्षस उनके अंदर फंसा रहे यदि मैजिक ट्रैप और फिजिकल ट्रैप को सही तरीके से जोड़ा जाता है तो टीयर दो के खिलाड़ी भी लेवल एक से अधिक तटस्थ मानचित्रों में लाभदायक जीवन जी सकते हैं जब दंग पर छापा मारने की बात आती है तो वे टीयर तीन खिलाड़ियों से कमतर होंगे इस बीच टीम द्वारा एक और लेवल 102 ड्रैगनकिन योद्धा ड्रैगन किन को मारने के बाद जैसे ही ये लोग लेवल 100 पर पहुंचे कई सदस्यों के शरीर पर एक बैंगनी चमक छा गई पहले इन खिलाड़ियों को बांधने वाली अदृश्य जंजीरें भी टूट गईं।